से रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लीजिए, ऐसा मैं अभी अनम्यूट ऑप्शन बंद कर दिया। थोड़ा थोड़ा ही सब होगा, धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे। ओके डन, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द मीटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड सबसे खुशी की बात यह है कि जब आप मेंबरशिप देखेंगे, कल किसी ने कॉल किया था हमारे इंक्वायरी काउंटर पे, तो उन्होंने ये कहा कि कोई प्रीवियस स्टूडेंट उनसे बात करा दें तो रिव्यूज वगैरह जान के ज्वाइन करेंगे। तो हमने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, अब ऐसे कैसे हम कम्युनिकेट करा दें, उसका कुछ भी मीनिंग हो सकता है, कहीं नहीं कराया जाता। और जब आप इस बैच को देखेंगे तो इसमें जैसे सत्य प्रकाश अभी मुझे दिख रहा है, सुप्रिया ने ज्वाइन किया हुआ है, सुप्रिया ने 22 का ज्वाइन किया था लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी है 23 में आती है, शुभ्रांशु को 23 देना है। तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था, फिर से ज्वाइन किया, और कई लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग हरमिंदर होंगे शायद मीटिंग में, हरमिंदर के भाई हैं जसकरण, उन्होंने सजेस्ट किया, वो 22 के बैच में थे जो कि हमारा पहला बैच था। देखिए बिल्कुल इंसान को फेयर होना चाहिए चीजों में, पहला बैच परफेक्ट नहीं था। ओनली थिंग इज दैट कि कंपैरेटिवली जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जीएस की कोचिंग के लिए, उसमें वी आर गारंटेड कि हमने उसमें सबसे अच्छा किया, लग के किया, 24 घंटे साथ रहे, किसी ने भी मैसेज किया तो हर चीज अरेंज की है, हर चीज प्रोवाइड की है, ऑप्शनल तक के ग्रुप बना बैठे थे, ये कंडीशन थी जीएस की कोचिंग में। बाकी फीस वगैरह का तो आप जानते ही, उस पर क्या डिस्कस करना। तो लेकिन हमारा जो था कि एकदम सब कुछ आइडियल होगा, परफेक्ट होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे हिसाब से कॉम्पिटिशन खुद का जो होता है वो मिस होता है। हमें लोग तो कह भी देते हैं ना कि सी सेट के लिए कोई कॉल आता है तो कह देते हैं कि आपकी फीस सी सेट की 4,000 है, तो हम कहते हैं कि बाकी जगह तो 25 है देसे के, लेकिन आपका जो है सीसीपी वो तो 10 कहीं, तो उस हिसाब से तो ज्यादा हो गया ना, तो हमारा कॉम्पिटिशन खुद से। बट नाउ कॉम्पिटिंग विद आवरसेल्स, दैट वॉज आवर फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच आप समझो कि आज के बड़े बड़े कोचिंग जो है उनका फर्स्ट बैच कब आया होगा आपको पता भी नहीं होगा, तो उसमें हमने उतना किया। नाउ दिस सेकेंड बैच, क्वालिटी तो हम आपको बेस्ट देंगे, और हमारी जो एक अफोर्डेबिलिटी वाला है वो तो आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको बात ही नहीं आती। नेक्स्ट इज थिंग रेगुलरिटी। पिछले बैच में हमने टाइमलाइन नहीं प्रोवाइड किया था क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच था, अगस्त में स्टार्ट किया था हमने, रिसोर्सेज पूरे अरेंज नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड थी क्योंकि और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे उस टाइम, तो हमने किया था। इस बार हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, आपने जो देखा है टाइमलाइन, मैंने आपने ग्रुप में कहा कि एक टाइमलाइन मिल जाएगी तो अच्छा होगा, मैंने इमीडिएटली बोला क्योंकि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस था कि इस बार हम टाइमलाइन प्रोवाइड कर पाएंगे। एक तो पिछले वाले का आइडिया भी है, इसलिए वो अप्रॉक्स हर चीज के नंबर ऑफ आवर्स तक लिखे हुए हैं, हर चीज के टीचर्स हैं, जैसे वो मेंशन नहीं है लेकिन वहाँ पे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, तो नितेश सर पढ़ाएंगे, आकाश भट्टाचार्य हैं उल्लिया इसमें पढ़ाते थे, अभी हमारे साथ हैं, करंट अफेयर वाले कोर्स में भी ले रहे हैं, तो सारी चीजें अब हमारी ऑर्गेनाइज है और वो लोग इस साल अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दे विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज है, मैंने खुद के लिए भी टाइम लिया ताकि मैं मेंटरशिप वाले रोल में भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकूं। तो ये बैच में आपको जो जो चीजें लिख के वहां पे रखी हुई है वो सारी एकदम कम्प्लीटली फॉलो आने वाले। आज जैसे मीटिंग भी है तो ये 4-5 दिन पहले पोस्ट हो गया था, टाइम से स्टार्ट हुआ। ठीक, एक तो ये कि प्रॉमिस ये कैसे रहेगा पूरा कोर्स आप समझिए, रेगुलरिटी कम्प्लीट मेंटेन की जाएगी। नाउ अब इस मीट को स्टार्ट करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि मेनी ऑफ यू माइट हैव इवन अपीयर्ड इन द सिविल सर्विसेज इन द प्रीवियस ईयर, बट बियर विथ मी क्योंकि कई लोग नए हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, और वो साल भर क्वेश्चन आते रहेंगे। पिछले बैच का आज भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, उन्होंने अटेम्प्ट स्किप करना है, 23 में आ रहा है, आज पूछ रही हूँ कि फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट होता है क्या। तो मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन आने, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स को हम लोग 30 मिनट्स के आसपास में वाइंड अप करेंगे, फिर हम लोग मेंस का डिस्कशन करेंगे। और एक काम बहुत हल्का है, जनरली ओपन सेशन होता है तो बताया जाता है कि आप ये एनसीईआरटी पढ़ें, ये लक्ष्मीकांत पढ़ें, यहाँ से ऐसे पढ़ना है, ये चीजें ऐसे करनी है। दिस इज कम्प्लीट बंडल, पूरा पैकेज है, आपको कोई एनसीईआरटी जाके अलग से नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना है, जो ग्रुप में मिलेगा ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, लेकिन वेरिफिकेशन में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टेस्टेड स्ट्रेटजी है, जो होगा कंप्लीट होगा 100%। इसलिए हम अपने सीरीज का नाम मोक्ष प्राप्ति रखते ना, तो 23 का वी कैन एक्चुअली मोक्ष प्राप्ति जीएस फाउंडेशन समथिंग लाइक दैट। एनीवे थोड़ा सा टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यूपीएससी का आप एलिजिबल हैं कि नहीं है ये भी देखना होगा कुछ लोगों ने। अच्छा एक बार मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अटेंडेंस लगा लीजिए क्योंकि ऑल ऑफ द पीपल आर नॉट प्रेजेंट हियर। मैं नोट करूंगा भाई किसने किसने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ इट्स अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैं एक बार बस नाम पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताते जाइएगा। सबसे पहले भुवनेश्वर कपूर आपने मीट ज्वाइन की है, ठीक है। हरमिंदर, यस सर। सिद्धांत, यस सर। हाँ ठीक है। उदित कुमार, यस सर। जीत,
ओके भावना कुमारी है yes, sir. समर्थ समर्थ I'm going to note down a name. समर्थ ने ज्वाइन नहीं किया and then satya prakash ne to kiya maine dekh liya anjali agarwal have you joined yes sir fine ek taraf se kahin se noise aa rahi hai ek bar aap focus kariye jinke taraf se noise aa rahi hai thodi der ke liye mute kar lijiye aap mustafa yes sir yeah khushbu khushbu yes sir I am present khushbu isha sharma Yes, sir, present. Anupama? Yes, sir. Anupama, आपने मैनेज कर लिया टाइम? Yes, sir. Ridhu Smita? Ridhu, have you joined? Fine. Neha? Yes. Prachiti? Yes, sir. अच्छा, it is a Prachiti or Prachiti? प्रचिति प्रचिति पुंडरीका यस सर रजनीश यस सर रितेश यस सर यस सर श्रेष्ठ 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 हैज नॉट फाइन दीपशिखा यस सर बड़ी मुश्किल से एडमिशन लिया कितने ट्रांजैक्शन फेल हुए मुझे लगता 15-20 बार और दिव्या झा तो नहीं क्योंकि उनकी ट्रेन जर्नी है ट्रेनिंग चल रही है आई नो सुप्रिया हैज जॉइंड आई थिंक सुप्रिया प्रेजेंट सर पवित्रा शी हैज नॉट एंड सुब्रांशु तो है मैंने देखा है ना सुब्रांशु यस सर तो ये तीन चार जो आप एब्सेंस देख रहे हैं ना धीरे धीरे ये एब्सेंस बढ़ेगी पहले ही आपको बता दे रहा हूँ धीरे धीरे एब्सेंस बढ़ेगी और वहीं पे कंपटीशन खत्म हो जाता है तो पहला डिस्कशन यही है कि लगभग 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे एग्जाम में बैठेंगे डरने के बाद लोग 5 लाख के आसपास उसमें से कॉल आएगा लोगों का मेंस में बैठने के लिए दैट मीन्स की प्रीलिम्स का जो सिलेक्शन होगा ऑलमोस्ट 10,000-11,000 डिपेंडिंग ऑन द सीट्स जितनी होती है लगभग उसके 10-12 टाइम्स के आसपास मेंस में लोगों को बैठाया जाता है फिर फाइनली मेंस में लोग जो चुने जाएंगे वो जितनी फाइनल सीट्स होती हैं उसके हिसाब से इंटरव्यू कॉल लगभग 3 times होता है दैट मीन्स कि मान लीजिए कि 800 सीट है तो 2400 के आसपास बुलाया जाएगा 1000 है तो 3000 के आसपास तो आधा कॉम्पिटिशन ऐसे ऐसे ही कम होता है ये फर्स्ट मेट है आप देखिएगा धीरे धीरे लोग और कम होते जाएंगे वो क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन लैकिंग होती है बाहर से कितना करेंगे बाहर वाला भी कभी कभी जरूरी होता है एक बार याद कराने के लिए इट्स नॉट लाइक कोई ये बोलते ब्लैंकेट कि एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं करता ऐसा नहीं है फाइनली तो सारी चीजें एक्सटर्नल ही हो रही है नोटिफिकेशन भी एक्सटर्नल ही आ रहा है तो वो होता है बट कमी आएगी और वहीं पे कंपटीशन कम होता है तो चलिए अब शुरू करते हैं कि आपका जिन लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा और कई लोग पूरे टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड एक्सप्लेन द बेसिक्स उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ये स्क्रीन विजिबल है यस सर सुब्रांशु मैंने आपको थोड़ी देर के लिए ये कर दे रहा हूँ चलिए म्यूटेड तो है या सारे लोग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यूपीएससी का 2023 का भी कैलेंडर नहीं है आप 23 के एस्पिरेंट हैं बट 22 का कैलेंडर है हमारे पास 22 का कैलेंडर का क्या था हिसाब किताब इस साल का एग्जामिनेशन आपकी नोटिफिकेशन आएगी फरवरी में फर्स्ट वीक में उसका लास्ट डेट उसी मंथ में होगा नोटिफिकेशन आएगी लास्ट डेट उसी मंथ में होगा और उसके बाद एग्जाम जो इस बार का 5th of June को है ये हमेशा संडे होता है जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की डेट जो है नेक्स्ट ईयर 4th of June है 4 June को आपका एग्जाम है दैट मीन्स कि आपके पास 1 साल से ज्यादा टाइम है मैं ये नोटिफिकेशन का और ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ लास्ट डेट क्योंकि लास्ट जब आपका आएगा फॉर्म तो उसमें से बहुत लोग पैनिक करेंगे एक सिचुएशन ये होती है कि लोगों का ओबीसी का रिजर्वेशन का तो पहले से ही ये चीजें क्लेरिफाई कर लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना है
जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट की बात होगी, अगर एस सी एस टी कम्युनिटी है तो उनके भी उसमें इशू नहीं होता, उसमें सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट नहीं होती। दिक्कत आती है ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी में स्टेट का लिस्ट अलग होता है, सेंटर का लिस्ट अलग होता है। उस टाइम पे कई लोग क्या करते हैं कि स्टेट वाला सर्टिफिकेट बना के बैठते हैं, फिर यूपीएससी का एप्लीकेशन आ जाता है, उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता और उनको प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली एडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन में प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, इस डेट के पहले दिसंबर नवंबर के आसपास अपडेटेड, इन केस यू आर एलिजिबल फॉर ओबीसी रिजर्वेशन नॉन क्रीमी लेयर, तो फिर आप उसके पहले बना लीजिए, क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, कट ऑफ में भी सुविधा होती है। तो एडब्ल्यूएस और ओबीसी का रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट लेना है तो दिसंबर नवंबर के आसपास सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, पिछला वाला नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर वगैरह चेंज के बना लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लास्ट में उस टाइम पे अपना 10 दिन उसी चीज में वेस्ट करोगे जाके एसडीओ के ऑफिस में। तो पहला ये डिस्कशन, देन आप प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन के बाद देखें इस बार मेंस का क्या डेट है, 16th of September 2022, तो नेक्स्ट ईयर भी मान लीजिए उसी के आसपास हो। फिर इसके लगभग 60 डेज बाद मेंस का रिजल्ट आ जाता है और फिर इंटरव्यू कॉलिंग शुरू हो जाती है। तो प्रीलिम्स 4 जून है, मेंस आपका सितंबर 15 के आसपास होगा, रिजल्ट 60 डेज के आसपास में आएगा और फिर आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा और आप लगभग 2 आपके महीने इंटरव्यू चलेगा। इस बार का साइकिल चेंज हो रहा है, मतलब 2022 से, क्योंकि लास्ट के 2-3 साल जो है पैंडेमिक के कारण बहुत टाइमलाइन बिल्कुल अलग थी, बार बार पोस्टपोन हुआ था। ओके, ये चीज तो डिस्कस हो गई कि आपका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। नेक्स्ट कम्स एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए मैंने अपने उसे ऑफिसर पे पोस्ट किया, आप देख लीजिएगा, आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए 2023 के 1st of August को। 1st of August के बाद अगर आप 21 हो रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली आपकी मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी में 32 होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में आपको 3 years का रिलैक्सेशन दैट इज 35 रहेगा, और एससी एसटी का एज लिमिट जो है 37 तक है। ओबीसी के अटेम्प्ट 3 एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स की 6+3 राइट, और एससी एसटी का रिजर्वेशन में उसमें आपके अटेम्प्ट के लिमिटेशन नहीं है, ओनली एज के लिमिटेशन है, 37 तक आप जितना अटेम्प्ट देना दीजिए। ईडब्ल्यूएस का कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है एज और अटेम्प्ट का, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट विद दिस प्रीलिम्स एग्जाम आपका 4 जून जो संडे को होने वाला है। सोर्सेज पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि सोर्सेज आपकी क्लासेज हैं, क्लास के नोट्स हैं, आपको बुक्स वगैरह कुछ अलग से खरीदनी नहीं है, हर चीज का नोट्स मिलेगा आपको। लेट्स स्टार्ट प्रीलिम्स, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या बताना है मुझे। प्रीलिम्स के आपके सबको आइडिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 पेपर्स हैं, 2 पेपर्स में एक जीएस का पेपर होगा जनरल स्टडीज का, और जनरल स्टडीज नेमिंग ऐसी है कि मेंस में भी यूज होती है, और मेंस में जनरल स्टडीज 4 बार यूज होती है, GS 1, 2, 3, 4। लेकिन ये क्वेश्चन का जो पेपर है इसके 200 मार्क्स होते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस यहीं से लगा लीजिए, टोटल 200 मार्क्स है और क्वेश्चन कितने 100, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। व्हाट अबाउट यूपीएससी, अगर पिछले साल यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन अपने गलत कर दिए, बोले कि नहीं हमसे ये गलत सेट हो गया था, आंसर हमने गलत दिया था, ऑप्शन गलत दिया था, ये क्वेश्चन ही गलत था, तो उसने 98 कर दिया, तो क्या मार्क्स 196 हो गए थे? नहीं, मार्क्स स्टेट 200, सो दैट मींस कि ओवरऑल मार्क्स हमेशा 200 रहेगा, क्वेश्चन 100 रहे, 50 रहे, 60 रहे, स्टैंडर्ड 100 है, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो भी मार्क्स 200 रहेगा, वो जो आपके एक्स्ट्रा 4 मार्क्स हो रहे हैं बाकी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, तो पर क्वेश्चन मार्क्स जो है वो 2 से बढ़ जाएगा। गॉट दिस? तो 200 मार्क्स जो है फिक्स रहेगा, क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ था 2 क्वेश्चन गलत थे यूपीएससी के, ये है। नाउ एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स स्टैंडर्ड, अगर सब कुछ सही है तो एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। व्हाट इज नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग इज नॉट 1/3, लास्ट तक लोग गलत कैलकुलेट करते हैं और मॉक के गलत स्कोर बताते हैं, नहीं, जितने करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं उसको 1/3 है, दैट मींस कि 2/3 है, दैट बिकम्स 0.67। तो अब जब भी कैलकुलेट करेंगे मार्क्स देंगे तो आप 2/3 से उसको मल्टीप्लाई करिएगा नेगेटिव मार्किंग। सीसेट का पेपर जो है वो डिफरेंट है, सीसेट के पेपर में चूंकि लेंथी क्वेश्चन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, मैथ्स होता है, तो यूपीएससी ने क्या किया है, मार्क्स तो 200 मार्क्स ही रखे लेकिन क्वेश्चन के नंबर यहाँ पे कर दिया कितने 80, दैट मींस कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया 2.5 का, नेगेटिव कितना होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3, नॉट 1/3, नॉट 2/3, ये हिसाब किताब है आपके प्रीलिम्स का। जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन से दिखाने वाला हूँ, तो उसमें आपको बहुत कुछ चीजें लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन दैट इज एग्जैक्टली अ सब पार्ट, है ना, सबसेट ऑफ द मेन सिलेबस, कुछ अलग से नहीं है। दैट मीन्स कि मेंस का सिलेबस बड़ा है और उसका एक छोटा पार्ट निकाल के प्रीलिम्स में डाला होगा। सीसेट वगैरह की बात बाद में करेंगे,
अभी हम लोग प्रीलिम्स के पैटर्न पे चलते हैं, ये आपने देख लिया, नेगेटिव मार्किंग वगैरह समझ ली। अच्छा व्हाट अबाउट सीसेट? सीसेट क्वालिफाइंग है राइट, तो क्वालिफाइंग है तो इसमें बहुत लोग गलत बताते हैं आपको। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ 33% ऑफ ओवरऑल मार्क्स, दैट इज 200, दैट बिकम 66। कई लोग इसको पढ़ाते 67 कई जगह मैंने देखा है, बट आप कैलकुलेट करो तो शुभ्रांशु यही निकलेगा ना 33% सीसेट के हमारे टीचर 266 मार्क्स आता है। और ये 66 का स्कोर करना बहुत आसान है। आपको डराया जाता है कोचिंग के नाम पे कि 25,000 की फीस दे दें, 20,000 की फीस दे दें, ऐसा नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक मैथ्स होता है, बहुत आसान चीजें हैं, बशर्ते कि आप नवंबर दिसंबर में एक बार पेपर पलट के देख लीजिए। अगर आपका स्कोर मान लीजिए ऑलरेडी 90 के ऊपर आ रहा है तो आराम से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने कोई मॉक नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया, और मैथ्स हमारी वीक है, 10th तक ही पढ़ी है, फिर भी कर लेते थे। तो ये हो गया सीसेट का डिस्कशन। अब हम लोग नवंबर तक नहीं करेंगे, पूरे बैच में नवंबर तक आप हमारा भी सीसेट का बैच ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि आपका ये फाउंडेशन बैच है, उसका टाइम सही जगह यूटिलाइज होना चाहिए, आंसर राइटिंग पे, एसे पे, इनफैक्ट अगर जीएस हो गया तो प्रीलिम्स के मॉक पे। ये सीसेट पे आपका टाइम वेस्ट अगर होता है तो ये मतलब पाप है, क्वालिफाइंग है राइट। ओके तो ये हो गया आपका। कट ऑफ की जहां तक बात करें तो ये 100 मार्क्स के आसपास होती है, इट वेरीज फ्रॉम 91 to 105। For some years it went to 116 when in 2016 UPSC asked a state PSC type questions. So it soared and 116 cut off tha. Now, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले बता दो जो नोटिफिकेशन आएगी प्रीलिम्स में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और बाकी सारे सिविल सर्विसेज, जिसमें कि ऑल इंडिया सर्विसेज दो IPS और IAS, बाकी सारे जो आपके सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनफैक्ट डेली का जो आपका ग्रुप बी सर्विसेज है राइट, जैसे कि सारे स्टेट में SDO का DSP का पोस्ट होता है, तो दिल्ली वाला जो सिस्टम है SDO और DSP का पोस्ट, वो UPSC से ही भरा जाता है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। तो ये सारे आपके UPSC CSE कहलाएंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और बाकी जो होगा फॉरेस्ट्री का होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, एक IAS है, IPS है, वो आपके CSE से फिल होगा, और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, 3rd ऑल इंडिया सर्विस जो कि बाद में क्रिएट की गई थी, वो आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम से होगा। बट प्रीलिम्स दोनों का सेम होता है, मेंस की डेट अलग होती है, इंटरव्यू बिल्कुल अलग होता है, मेंस का पैटर्न भी बिल्कुल अलग है। ओनली दोज पीपल आर एलिजिबल फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जिन्होंने मैथ्स साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ह्यूमैनिटीज के लोग एलिजिबल नहीं होते। प्रीलिम्स सेम होता है, दैट मीन्स कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन रहेगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, या फिर दोनों के लिए अप्लाई करें। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका दोनों अटेम्प्ट काउंट होगा, एप्लीकेशन से नहीं, एग्जाम में बैठने से। याद रखिएगा हमेशा, जब तक आप अटेंडेंस शीट में जाके मार्क नहीं करेंगे पी प्रेजेंट गोला, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता। फाइन, तो उसमें से एक भरेंगे तो आपका एक ही अटेम्प्ट काउंट होगा। मतलब मैं सिविल सर्विसेज में अप्लाई करूँ, फॉरेस्ट सर्विसेज का नहीं अप्लाई करूँ, तो सिविल सर्विसेज वाला अगर मैंने एग्जाम दिया तो काउंट होगा, फॉरेस्ट का मोरा पूरा जो है 6 का 6 बचा रह जाएगा। तो कई लोग अटेम्प्ट सेव करने के लिए बीच बीच में फॉरेस्ट का देते हैं और सिविल सर्विसेज वाला स्किप कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का पैटर्न। व्हाट अबाउट मेंस? मेंस का पैटर्न आपका ऐसा है कुछ। मेंस के पैटर्न में आपका सबसे पहले जो पेपर होता है वो एसे का होता है। मैं इसको नोटिफिकेशन से दिखा देता हूँ, मुझे भी सुविधा होगी, लिखना नहीं पड़ेगा। ये है आपका मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न। मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, बहुत इजी होते हैं, इसके लिए भी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। कई लोग अभी से पूछना शुरू करते हैं, तैयारी शुरू नहीं की, लैंग्वेज का पेपर कैसे क्वालिफाई करना है, ग्रामर की बुक खरीदनी, ये सब बेफिजूल की बातों में ना फंसे आप। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, तो अगर आप तमिलनाडु से हैं तो तमिल ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं, कोई भी स्केड्यूल की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज आप ले सकते हैं। 8th स्केड्यूल में इंडिया की जो है लैंग्वेजेज मेंशनड है, 8th स्केड्यूल में अगर आपका लैंग्वेज है तो आप उसमें क्वालिफाइंग पेपर दे सकते हैं। वो 300 मार्क्स का होता है, मोस्ट प्रोबेबली 100 मार्क्स इसका क्वालिफाइंग होता है, बहुत इजी होता है। दूसरा पेपर जो है ये भी क्वालिफाइंग है, ये इंग्लिश का होता है, तो आपको लैंग्वेज के 2 पेपर देने हैं, दीज आर नॉट काउंटेड इन योर रिजल्ट, ठीक है, बस पास करना होता है। कुछ लोग फेल होते हैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लास्ट तक। नाउ आपका पहला पेपर 1 जो है वो एसे का है, ये 250 मार्क्स लिखा हुआ है, इसमें एक ही सेटिंग में, दैट मीन्स कि 9 to 12 o'clock AM सुबह सुबह आपका एक ही सेटिंग में 2 ऐसे आपको लिखने हैं,
दोनों एसए के 125 अलग अलग मार्क्स होते हैं, सेक्शन बना होता है, सेक्शन ए में आपको चार ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक एसए लिखिए, सेक्शन बी में चार ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक एसए लिखिए, 125 करके 250 मार्क्स। अच्छे मार्क्स क्या माने जाते हैं? द मैक्सिमम हैज रीच्ड मे बी टिल 160-165, बट एनीथिंग बियॉन्ड 140 और मे बी इवन 135 इन सम केसेस, क्योंकि हर बार आप देखेंगे ना तो कभी कभी स्कोर किसी किसी सब्जेक्ट में इन्फ्लेटेड होता है, कभी एथिक्स में लोगों का सबका बहुत ज्यादा आ रहा है, कभी एसए में सबका ज्यादा आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज 135 अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप एसए में फेयर स्कोर कर रहा हो, 150 चले गए तो आप टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये पहला पेपर आपका जब एसए का पेपर होता है तो उस दिन बस एसए होता है, दैट मीन्स कि एक ही शिफ्ट होता है सुबह 9 to 12, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। फिर आपके चार जीएस के पेपर है, जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4, ब्रॉडली बता दे रहा हूँ। जनरल स्टडीज 1 में प्रीलिम्स का टॉपिक ज्योग्राफी, जो कि प्रीलिम्स में भी है कंप्लीटली, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में क्या, एंशियंट हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सॉरी ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी वर्ल्ड की भी पढ़नी होती है, इंडिया की भी पढ़नी होती है, और एक सोसाइटी का पार्ट होता है जो कि प्रीलिम्स में नहीं होता, इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन का वीमेन पे इम्पैक्ट, ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कभी सिलेबस आगे देखेंगे। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री मेंशन नहीं किया हुआ है इसमें, प्रीलिम्स में देखेंगे तो पूरा जो है आता जब है एग्जाम तो एंशियंट हिस्ट्री आती है, मिडिवल आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, और ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेंस में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर लिखा हुआ, कल्चर भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो लोग साथ ही साथ प्री और मेंस की इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है, तीन सेक्शन आप मान के चलिए, ऑन एन एवरेज सबके जो है 75-100 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और 250 का पेपर पूरा होता है। दो सेक्शन होते हैं यूपीएससी के मेंस के पैटर्न में, एक सेक्शन ए होता है और एक बी होता है, सारे जीएस में, लास्ट जीएस 4 छोड़ के बता रहा हूँ थोड़ा सा, जीएस 1, 2, 3 उसमें आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे दोनों सेक्शन में, एक में 10 × 10 का हिसाब रहेगा 10 मार्क्स का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 मार्क्स का, और दूसरा सेक्शन जो रहेगा वो 15 × 10 का रहेगा, तो ये 150 का, ऐसे करके ये 2-3 साल से यही चल रहा है, बट ये कोई ऑफिशियल नहीं होता, दिस कैन चेंज, अ फ्यू इयर्स अगो इट वाज 12.5 × 20 250 सारे बराबर, दिस चेंजेस बट जनरली अभी यही चल रहा है 10 × 10 15 × 10। जनरल स्टडीज 2 जो कि मैं आपको कंप्लीट मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, उसमें भी हिस्ट्री का पोर्शन साथ में कराऊंगा। जनरल स्टडीज 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, डू यू थिंक दीज आर डिफरेंट थिंग्स? व्हाट इज गवर्नेंस? सारी चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली, मदर ऑफ ऑल लॉज, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वहां से यूपीएससी निकलेगा तो यूपीएससी से हम गवर्नेंस पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मिक्सअप है, तो कह सकते हैं आपके पूरा का पूरा ये पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोल लीजिए, एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सोशल जस्टिस है, ये जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड होता है कि इंडिया में डेवलपमेंट वगैरह के प्रोग्राम कैसे काम कर रहे हैं, तो ये पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही आ जाता है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही आ जाता है, फिर ये इंटरनेशनल रिलेशन अलग से बनता है, 30-40 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं आई आर वाला पोर्शन, और आई आर वाले पोर्शन में आपको कोई स्टैटिक नॉलेज नहीं चाहिए, करंट अफेयर पढ़ के चाहिए आराम से, बट दिस जब इसको एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाएंगे ना तो दिस पेपर बिकम्स द लेंथीएस्ट, इसलिए वहां पे 250 आवर्स लिखा हुआ है। प्रीलिम्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, और लक्ष्मीकांत आपकी प्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है, मेंस की नहीं, कभी भी नहीं। जनरल स्टडीज 2, नाउ जनरल स्टडीज 3 में देखें तो बहुत सारे टॉपिक है, ये टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, एग्जैक्टली दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज इकोनॉमी, राइट, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, कंप्लीट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, इस पे आजकल पॉल्यूशन पे बहुत फोकस रहता है। अच्छा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड की सिक्योरिटी नहीं, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म वगैरह को पढ़ना, सिलेबस में जो टर्म मेंशन है कई बार वो सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। देन कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि ज्योग्राफी और या कह सकते हैं जीएस 1 और जीएस 3 दोनों में इसका मिक्सअप मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे अर्थक्वेक का मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के क्या गाइडलाइन है साइक्लोन के बारे में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन ये रिसेंटली ऐड किया गया है 2013 के आसपास, जनरल स्टडीज 4 का पेपर, एथिक्स देखने के लिए लोगों का, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, कई लोग उसको बिना पढ़े भी एग्जाम देते हैं, कई लोग उसको पढ़ के देते हैं, जब कंपटीशन बढ़ती है तो हमेशा पढ़ना जो है वो ज्यादा सेफ तरीका है, तो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड मोस्ट प्रोबेबली सत्यम आपको पढ़ाएंगे, जिन्होंने अभी उनको इंटरव्यू भी देना, पिछले बैच में भी उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। यूज टू स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन मॉक्स इन प्लेसेस वेयर द पीपल एक्चुअली गॉट ऑल इंडिया बेस्ट एथिक्स में, ही यूज टू स्कोर मोर देन देम, बट इस बार वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो लेट अस सी क्या आता है, इसीलिए मैंने टाइम उनका लिया ना, तो इनको देखो जुलाई से सितंबर में लिया कि इनका सिलेक्शन हो भी जाता है
So he will teach and then he will go for the training. Then comes your optional paper one, paper two. एक ही ऑप्शनल होता है कई स्टेट में और इनफैक्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में दो ऑप्शनल पेपर होते हैं. यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में एक ही ऑप्शनल पेपर है बट उसके दो पेपर है, एक 250 मार्क्स का और दूसरा 250 मार्क्स का. पेपर वन पेपर टू एक ही दिन में एग्जाम होता है. बाय द वे जीएस वन का जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन शाम को जीएस टू का होगा, जिस दिन जीएस टू का जीएस थ्री का होगा उसी दिन जीएस फोर का होगा, और जिस दिन ऑप्शनल पेपर वन का होगा उसी दिन ऑप्शनल पेपर टू का होगा. दैट मीन्स कि आपको लगातार 6-6 घंटा लिखना है. ऑप्शनल के पहले कुछ दिनों की छुट्टी देते हैं बट जीएस 1, 2, 3, 4 लगातार लिखने हैं 6-6 घंटे. तो राइटिंग प्रैक्टिस मैटर्स. ये सारे जो मार्क्स हैं ऊपर आपके कितने हो गए, 1750 मार्क्स के हो गए जो कि आपके कैलकुलेट हो रहे हैं. लास्ट में इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का. सम पीपल हैव गॉट मोर देन 200-215 ऑल्सो. ऑन एन एवरेज 160 अबव इज कंसिडर्ड फेयरली फाइन. तो 2025 का इसके अगर आप 55% के आसपास मार्क्स लाते हैं 55-60 तो टॉपर बन जाएंगे, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो ये पूरा हिसाब किताब है. बाकी लैंग्वेजेस पेपर कंपलसरी वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगा, इज नॉट आवर बिजनेस. और बाय द वे जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के पहले आपको एक फॉर्म भरने के लिए यूपीएससी बोलता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वन. और फिर जब मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको यूपीएससी बोलता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू. फॉर्म वन में कुछ नहीं होता, वही कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने मेंशन किया था प्रीलिम्स में वही वाला डालना होता. अगर आपने प्रीलिम्स में गलत मेंशन किया था और आप कोटा से आए थे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. ऑलवेज टेक केयर ऑफ दोस कोटा थिंग्स. लास्ट में पैनिक करते लोग. व्हाट अबाउट डैफ टू? डैफ टू में जनरली आपके हॉबीज अचीवमेंट्स बताए जाते हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, यूनिवर्सिटी के लेवल के, तीन लेवल के आपके अचीवमेंट्स होते हैं. हॉबी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ना भी मेंशन करें तो चलेगा, बट मेरा मानना है कि कोई चीज ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि कोई भी हॉबी हो, कुछ भी हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मूवी देखना कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब थोड़ा प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं. एक एक क्वेश्चन मैं डील करता हूं उसके बाद चलेंगे. सोर्सेस अगेन बोला ना, सोर्सेस हमारे पहले ही सॉर्टेड हैं तो वो इश्यू नहीं है. एलिजिबिलिटी भी डिस्कस हो गई. हाँ, जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए जो सारी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा ऑलरेडी. सबसे पहली जो चीज है मोस्ट मैंडेटरी आपका सिलेबस. अब सिलेबस होने से होता है क्या आपके पास? आप देखते हैं कि मैं भी आपको बोलूंगा, ग्रुप में भी डाला है कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना. न्यूज़पेपर का डिस्कशन पहले कर लेता हूं. क्या सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना? आपके पास दो ऑप्शन है क्योंकि आपने इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन किया है. दो एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल ही रहेगी बट नोट्स वगैरह तो आपके इंग्लिश में ही रहेंगे. तो ये सपोज किया जा रहा है कि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो. दो ऑप्शन है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है. लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग द हिंदू की ही थी. रिसेंटली एक जोर आया है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा जाए क्योंकि एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, सस्ता भी है, और द हिंदू लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ बायस हो रहा है. बट अ गुड स्टूडेंट नोज कि एग्जैक्टली उसके लिए क्या रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट नहीं है तो छांट सकता है. आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन द हिंदू एक्चुअली बिकम्स बेटर. हमने लास्ट ईयर का एक्सप्लेनेशन किया हुआ पूरा 21 का पेपर का, कहां से क्या क्वेश्चन आया. द हिंदू स्टेज मोर रेलिवेंट. ओके, दूसरी बात द हिंदू की लैंग्वेज अच्छी है, वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है बट दैट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज. आपको फर्क दिख जाएगा लॉन्ग टाइम अगर आप न्यूज पेपर पढ़ेंगे ना. द हिंदू Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. तो Indian Express का क्या करें? Indian Express बिल्कुल छोड़ दें. Indian Express में एक explained section आता है.
एंड क्वेश्चन हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम दिस सेक्शन. ऑब्वियसली जो क्वेश्चन सेट कर रहा है न्यूज पेपर पढ़े हो तो उसको पता चला वाओ इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट आता है. देखते हैं यहाँ पे तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ क्वेश्चन यहाँ से डाल देते हैं. तो लास्ट ईयर हमने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन सेक्शन से देखे. एक्सप्लेन सेक्शन में सारी चीजें रेलिवेंट नहीं होती. समटाइम्स वो आपको ऐसे ऐसे चीजें सिखाएंगे जो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है. क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे कि क्या मतलब डू यू थिंक. कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है उसमें कि इन्वेस्टमेंट इस चीज में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन नहीं, द हिंदू ने भी इस चीज की कॉपी की है और द हिंदू के भी लास्ट के पेजेस में ऐसा आप जो है सेक्शन आने लगा. तो इंडियन एक्सप्रेस से आप एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा. उनकी वेबसाइट खोली, एक्सप्लेन सेक्शन में जाइए, आर्टिकल कुछ रेलिवेंट लगे तो पढ़ लीजिए. स्टैंडर्ड आपका न्यूज पेपर ये रहेगा. द हिंदू में आप क्या पढ़ेंगे, अगर आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो आप हमेशा डेली एडिशन पढ़िए क्योंकि डेली एडिशन एक कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर लोकेटेड है. हाईकोर्ट का भी डिसीजन, कई बार दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन जो होता है बहुत रिलीवेंट होता है आपके पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप जो सारी चीजें आजकल सुन रहे ना, अभी था ना 377 आईपीसी का होमोसेक्सुअलिटी, पहला डिसीजन तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके डिसीजन को रिवर्ट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, फिर से जो है सही कर दिया. तो शुरुआत दिल्ली हाईकोर्ट से ही हुई थी, वहां पे चीजें सिचुएटेड है, दिल्ली में केस पहले वहां पे होता है जनरली. ट्रेन क्राइसिस पे डेली हमें इतना पढ़ने की जरूरत है कि उससे हमारे 50 नंबर 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 0 है एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछे जाएंगे जब इतना पॉपुलर है. और हमेशा क्वेश्चन याद रखिएगा, जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन वही पूछा जाता है जहां पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है. तो आपसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेंगे कि क्या इंडिया का डिसीजन सही था नहीं था, क्या आपको लगता है कि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट को अभी भी पकड़ के बैठी है, नहीं मूव कर पा रही, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे. बट दे विल नॉट आस्क यू कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया करेंटली, या क्या अपडेट है वहां पे, वार कैसा हो गया. नो, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, सिलेबस में है ही नहीं वो. तो आप ऐसी चीजों को स्किप कर सकते हैं. फिल्म वगैरह के बारे में कुछ है जो इरेलीवेंट आपके सिलेबस से पढ़ने के बाद आपको लगता है, आप उसको स्किप करिए धड़ल्ले से. नो एफओएमओ मोमेंट. ये दो आर्टिकल आपके हो गए. उसके बाद एक लीड करके आर्टिकल होता है बड़ा, वो जनरली रेलिवेंट होता है, उसमें ऐसी बातें होती हैं जो आपके रिलेटेड होती है सिलेबस से. और बाकी फिर कुछ नीचे ओपेड वगैरह रहता या साइड में रहता है, वो देख लीजिएगा रेलिवेंट है. तो फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके एक सेक्शन रहता है, उसमें वो कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हैं. उसके भी वो बगल में ना पॉइंटर निकाल देते हैं कि इस पूरे आर्टिकल का सारांश क्या है, समरी क्या है. उतना पढ़ें, इस चीज को करने में आपको शुरुआत में लगेगा 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, उसे घबराइएगा मत. दैट मीन्स कि आपकी अभी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल पूरी डेवलप नहीं हुई है, और डेवलप करनी जरूरी है क्योंकि मैंने ये देखा है कि द हिंदू अगर 1 महीना 2 महीना पढ़ने के बाद रियल एग्जाम के सीसेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी राइट हो, क्योंकि इंसान को बातें समझ में आने लगती हैं, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझ में आने लगती है. तो एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए फाइनली आपको मेंस का आंसर लिखना है. हालांकि वो सिंपल लिखना है बट कॉम्प्लेक्स चीजों को समझेंगे तो अच्छा है. तो आप द हिंदू का ये एडिटोरियल का पेज पढ़ें. स्पोर्ट्स का सेक्शन घबराइएगा मत, यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे. उन्होंने ऐसी चीज पूछी थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और कहीं ना कहीं एलिमिनेशन किया जा सकता था. हम स्पोर्ट्स नहीं पढ़ेंगे भले यूपीएससी ने पूछा है, वहां पे आरओआई बहुत कम है और हो सकता है यूपीएससी एक भी ना पूछे. इकोनॉमी के सेक्शन में क्या करें, अगेन जब आप सिलेबस देखेंगे ना, हमें ये इकोनॉमी के सेक्शन में एक एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब नहीं जानना होता. इकोनॉमी के सेक्शन में हम ये देखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर पे रिलेटेड कुछ आया है क्या, क्या किसी गवर्नमेंट स्कीम की बात हो रही है वहां पे, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो है टारगेट्स पूरे हो गए हैं, क्या नीति आयोग ने कोई इंडेक्स जारी कर दिया जिसपे की इकोनॉमी वाले पोर्शन में कुछ आर्टिकल आ गया, इस तरह की चीजें देखेंगे. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्या आरबीआई से कुछ बात की है, आरबीआई ने कोई नया ऐप बनाया है क्या, कभी कभी पूछता है यूपीएससी, कई बार पूछता है, इनफैक्ट भीम पे क्वेश्चन पूछ चुका है, आधार पे क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीआई पे क्वेश्चन पूछ चुका है. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमी वाले सेक्शन में कवर थी. ये कहने के साथ वीक में एक दिन मोस्ट प्रोबेबली संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग से पूरा पेज आता है. अगेन उसमें हम देखेंगे कि सिलेबस के लिए रेलिवेंट है कि नहीं और उसके हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे. तो मिला जुला के शुरुआत में आपको 2 घंटा लग सकता है, घबराइएगा मत. 15-20 दिन बाद अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो टाइम लगभग 30-35 मिनट्स पे आ जाएगा.
अगर कभी आगे हम एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करेंगे अपने चैनल पे तो आप देखिएगा, वो लंबा होता है, बट वो लंबा इसलिए नहीं होता कि न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, वो लंबा इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ कई सारे स्टैटिक टॉपिक भी कवर करते हैं, तो एक कंसिस्टेंट रिविजन होता रहता है, दैट इज नॉट ओनली न्यूज आर्टिकल, अदरवाइज न्यूज पढ़ने में आपको 30 से 45 मिनट लगेंगे कुछ दिनों बाद, उतना ओके है, ठीक। अच्छा, अब आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, यू माइट आस्क कि क्या हमें तो यूपीएससी तो 2-3 साल का करंट अफेयर पूछता है, पूछता है, सही बात है, कंटेम्पररी पूछता है, तो क्या प्रीवियस न्यूज़पेपर जाके सारे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, नहीं ये मत करिएगा, इनफैक्ट मैगजीन भी आप इस साल की जनवरी के पहले का मत पढ़िएगा, अगर आप विजन की मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैगजीन अगर आपको पढ़नी है तो एक ही चॉइस आपके पास सब मिला जुला के जो बेस्ट प्री और मेंस को एड्रेस करता है कम साइज में, दैट इज विजन, बट इस बार हमने मंथली एक्सप्लेनेशन जोड़ा हुआ, तो आपको इस मंथ के लास्ट से, दैट मीन्स कि आपने अप्रैल में शुरुआत किया ना, अप्रैल के लास्ट में 3 से 4 दिन आकाश पढ़ाएंगे और वो आपको महीने भर का जो करंट अफेयर आया था विजन की मैगजीन के हिसाब से वो आपको पढ़ा देंगे, तो आपको उसके लिए भी कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले आप ना पढ़ें, हम अप्रैल से शुरुआत कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जनवरी फरवरी मार्च अपने से पढ़ सकते हैं, उसके अलावा आपको बैक में जाके न न्यूज़पेपर पढ़ना है न मंथली मैगजीन पढ़नी है, वो सारी चीजें रिपीट होंगी, धीरे धीरे चिंता नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर डू वी नीड टू मेक नोट्स, नो आप नोट्स मत बनाइए, आप पढ़ लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या, जब आप मंथ के एंड में मैगजीन पढ़ेंगे या सुनेंगे या पीडीएफ जो भी देखेंगे ना, आपको रिलेटेबल लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये चीज पहले पढ़ी थी, विदाउट रीडिंग मैगजीन विल टेक यू 1 वीक टू रीड, एक विजन का मैगजीन आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन अगर आपने डेली अपडेट ली है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, डेली करंट अफेयर पढ़ा है, तो वो काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। तो वो रिटेंशन के लिए किया जाता है, ठीक है, तो आप नोट्स ना बनाएं न्यूज़पेपर का, आप बना भी नहीं पाएंगे उतना अच्छा जितना आपको ये मैगजीन वाले बना के दे देंगे, कहने की बातें होती हैं सेल्फ मेड नोट्स, अरे कुछ सेल्फ मेड नहीं है, जब चीजें आपको पूरी मैन्युफैक्चर करके मिल रही है, उनकी पूरी टीम है, 20-25 लोग बनाते हैं दृष्टि वगैरह में या विजन में, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफी खर्च लगता तब जाके मैगजीन बनती है, और वो उसमें उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की हुई, आप अकेले करोगे तो आपको पूरा टाइम चला जाएगा, तो नोट्स आपको मैगजीन के नहीं बनाने हैं। देन व्हाट अबाउट रीडिंग द मैगजीन या आकाश एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब आकाश आपको एक्सप्लेन करेंगे तो एक ध्यान रखिएगा, जो प्रीलिम्स के हिसाब से जो चीजें हैं उसको आप अंडरलाइन कर लें, नोट्स में अंडरलाइन कर लें, ताकि आप उसको रिवाइज करें तो 3 से 4 घंटे में आपका 1 मंथ खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में आप पे कभी लोड नहीं आने वाला, तो बस अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है प्रीलिम्स की, मेंस के हिसाब से मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने, वो इंटीग्रेट होगा स्टैटिक और डायनामिक, तो ठीक है। एनवायरनमेंट के भी अगर कुछ न्यूज वगैरह आया तो आप फोकस कर सकते हैं, बाय द वे आई एम प्लानिंग की मंथली मैगजीन का जो एक्सप्लेनेशन हो उसमें साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में डेलीगेट ना करूं, बाकी देखते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं सारे लोग, लेकिन साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट और पॉलिटी, ये 3 चीजें मैं चाहता हूं कि मैं अपने पास रखूं, और हो सके तो इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये हो गया आपका न्यूज पेपर और मैगजीन वगैरह का। कुछ लोग पूछेंगे कि योजना और कुरुक्षेत्र का, योजना की मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको कई बार प्रीलिम्स में भी हेल्प मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह पे आ गया तो। मेंस में आपको आंसर राइटिंग के लिए जो फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं कि ये स्कीम ने कैसा काम किया है, या एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, ऐसी चीजों का आंसर कई बार आपको योजना के कुछ पर्टिकुलर स्पेशल एडिशन से मिल जाता है, तो पूरे साल भर का रिलेवेंट नहीं रहेगा, योजना मान लीजिए कि एक मंथ में एग्रीकल्चर स्पेशल बना देता है, तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो GS3 का जो आपने इकोनॉमी देखा था ना, उसके अंदर एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ से पढ़ना है एग्रीकल्चर, इकोनॉमी से स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ना होता है इकोनॉमी में, उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो करेंट अफेयर की मैगजीन उसमें होती है एग्रीकल्चर, और फिर ये योजना वगैरह से मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है रूरल डेवलपमेंट पे फोकस्ड है, तो कुरुक्षेत्र आपको नहीं पढ़ना, योजना आप एडिशन देख लें शॉप में या ऑनलाइन जैसे भी आपको मिल रहा हो, अगर आपको लगता है रेलिवेंट है तो फाइन। अब योजना में आ गया मान लीजिए कि योगा पे पूरा एडिशन, अब उसमें अष्टांग योग की अगर एक जगह बात की तो आप उसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन शायद आ भी चुका है, उससे ज्यादा डीप में जा रहे हैं कि कैसे कैसे योगा करना है, कौन सा टाइप का योगा करना है, तो फिर आपकी गलती होगी, तो आपको छांटना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यू माइट आस्क अबाउट इंडिया ईयर बुक, आपको नहीं पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी, कई लोग आपको कई सजेस्ट करेंगे कि इंडिया ईयर बुक पढ़ो वगैरह, हमारे टीचिंग में वो इम्बाइब्ड होता है, डाला हुआ है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई सेक्शन करंट अफेयर का या कुछ भी,
दैट टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मिनिस्ट्रीज ऑल्सो. अगर मैं आपको मैपिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको जो है ग्रेट रन ऑफ कच, स्मॉल रन ऑफ कच, ये सारा खुद बताऊंगा. तो आपको वहां जाके अपना डुप्लीकेट करना नहीं है सोर्सेज. तो इकोनॉमिक सर्वे और जो है बाकी बजट वो तो अगले साल आएगा, तो उसकी चिंता अभी नहीं है, ठीक है. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट नोट मेकिंग. जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, एवरी क्लास. इस बार हम पिछली बार ये नहीं कर पाए थे, बट इस बार ये हमारा सेकेंड बैच है, तो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट. तो व्हाट यू नीड टू डू, जो आपको नितेश सर जैसे ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो वो आपको पीपीटी देंगे, राइट. क्लास में जब पढ़ा रहे हो ना तो कोशिश करिएगा कि स्क्रिबल करने का. जैसे मैं क्या हैंडराइटिंग गंदी से लिख रहा हूँ, बट कुछ तो लिख रहा हूँ ना. क्लास करते रहे, थोड़ा बहुत पॉइंट नोट कर लिया कि अच्छा इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया है, जियोमॉर्फोलॉजी में इन्होंने ये टॉपिक पढ़ाया, अच्छा ये वॉल्केनो को इन्होंने ये एग्जांपल दिया. थोड़ा बहुत जो पढ़ा रहे हैं ना पीपीटी के अलावा जो बोल रहे हैं उससे थोड़ा स्क्रिबल कर लीजिए. जैसे दो चीजें होंगी, आपका फोकस बना रहेगा क्लास पे, आप डाइवर्ट नहीं होंगे, राइट. और लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी आपको नोट्स मिलेंगे, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने बोली हो क्लास में इंपॉर्टेंट हो लेकिन नोट्स में उन्होंने नहीं डाला, नहीं तो फिर तो रीडिंग हो जाएगी ना स्लाइड की, तो कुछ तो एक्स्ट्रा हमेशा आएगा. आपने नोट कर लिया, उसको डाल लिया, दैट इज योर नोट्स. और चूंकि हम मेंस और प्री का साथ पढ़ा रहे हैं तो दैट नोट्स विल बी यूजफुल इन मेंस. उसमें से प्रीलिम्स का पोर्शन अगेन आप हाईलाइट करें, प्रिंट करवाएं तो उसको अंडरलाइन करें, आपकी मर्जी, ठीक. तो क्लास नोट्स विल बी एनफ. कहीं भी एक्स्ट्रा रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे एथिक्स में हर कुछ इंसान नहीं पढ़ा देगा, कॉन्सेप्ट दे देंगे सत्यम और उसके बाद हो सकता है नोट्स अटैच कर दें हमारा, अगर प्रिंटेड बन जाए तो, या सॉरी पीडीएफ बन जाए तो, या बता दें कि ये वाली पीडीएफ के लिए मतलब थोड़ा यहां से भी कंटेंट देख लीजिए, तो फिर आपको बता देंगे, आपको अलग से कुछ बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं है. एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि डेली करंट अफेयर क्या. आईएएस कॉरिडोर का खुद का डेली करंट अफेयर आता है. बीइंग वेरी न्यूट्रल आई हैव गॉन थ्रू ऑल द करंट अफेयर. और मैंने अपने कंटेंट मेकर को यही बोला है कि जब आप करंट अफेयर बनाओ डेली का तो सारे का गो थ्रू करो, देखो कि उन्होंने क्या क्या डाला है. और जो फिर हमारे स्टूडेंट पढ़े तो उसको ये न लगे कि उसने कोई पॉइंट मिस कर दिया कि उस किसी और करंट अफेयर में मेंशन था. सो कॉरिडोर का जो डेली पीडीएफ आता है, इधर मैंने कुछ दिनों से डाला नहीं है बट मेरे पास आए हुए थे, मैं डाल दूंगा, चिंता मत करिए. डेली पीडीएफ जो आती है डेली करंट अफेयर की कॉरिडोर की, आपको वही रीड करनी है, उसके बाहर नहीं रीड करनी है. सेकंड बेस्ट और पैरेलल इज दृष्टि का, बट नॉट मतलब वहां नहीं जाना है, हमारा इनफ है. आप डेली करंट अफेयर उसको पढ़िए, उसके बाद आपको मंथली जो मैगजीन होगी उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. डेली करंट अफेयर पढ़िए, आप उसको भी बैठ के नोट्स मत बनाइए, पीडीएफ के फॉर्म में मिलती है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन हाईलाइट, है ना, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे अपने मजे मजे के लिए. इमेजेस वगैरह भी होते हैं काफी अच्छे, तो वो आपका कंटेंट हम वो भी ख्याल रख लेंगे, ठीक. डिजिटल और प्रिंटेड नोट्स कुछ लोग पूछ सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डिजिटल नोट्स बनाइए. फॉर एग्जांपल अब मैं ये डिजिटली काम कर रहा हूँ, अब मुझे कल यहाँ पे कुछ जोड़ना है, कैन यू सी, इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट, छोटा कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे ये छोटा साइड कर दिया, उसको चेंज कर सकता हूँ. ये चीजें आप प्रिंटेड में नहीं कर सकते, बट हर किसी के पास सुविधा नहीं होती, ये चीजें भी समझते हैं. और दूसरी बात आईज का भी है, कुछ लोगों का कम्फर्ट नहीं होता. अगर आप प्रिंटेड नोट्स बनाएंगे तो आप A4 शीट का बंडल ले लीजिए, मैंने शुरुआत में बोला था, अच्छा GSM कर लीजिएगा 75 के आसपास, ताकि लिखें तो आर पार ना चला जाए. इसमें फायदा क्या है A4 शीट में कि आप बीच बीच में उसको निकाल के दूसरा पेपर अटैच कर सकते हैं, है ना, बंडल में अटैच कर सकते हैं. फाइल बना लीजिए, ज्योग्राफी का फाइल बना लीजिए, हिस्ट्री का फाइल बना लीजिए, बल्कि एंशियंट मेडिवल का अलग अलग बना लीजिए, और क्लास नोट्स वाला चाहिए तो प्रिंट करा के उसमें डाल लीजिए, कोई इशू नहीं. तो A4 शीट का यूज करिएगा. कभी भी वो स्पाइरल वगैरह वाला भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें आपको एक टाइम के बाद दिक्कत आएगी, जब कुछ रिमूव करना होगा, डिलीट करना होगा, तो दिक्कत आएगी. तो जो ऑनलाइन सुविधा मिलती है लगभग A4 शीट में एड्रेस हो जाती है, ठीक है. क्लास करके पीडीएफ देख के भी आप अपने सेल्फ नोट बनाएंगे ना, तो आप दैट इज गुड. करंट अफेयर वगैरह का मैं आपको बताऊंगा, उसका बनाने की जरूरत नहीं है. स्टैटिक वाले में अगर आपको लगता है कि पीपीटी आपको मिल गई 300 स्लाइड 500 स्लाइड रिवीजन करने में दिक्कत हो रही थी, या तो आप हाईलाइट कर लें, नहीं तो फिर आप उसको शॉर्ट नोट बना लें कि भाई प्रीलिम्स में मेरा ये 10 पेज में हो जाएगा. मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने 3 बार इंटरव्यू दिया था UPSC का, BPSC में भी उनकी 5th रैंक थी. उनका पता है आपको GS 1, 2, 3, 4 का कंटेंट का लास्ट में माइक्रो नोट्स बनता था, दैट वॉज हार्डली 20-30 पेजेस, उसी को रिवाइज करके लास्ट में जाती थी. लैंग्वेज अपना डाल देती थी, ऑर्डर पॉइंट जो लिस्ट में उनके मेंशन था, मतलब जितने भी लिस्ट में पॉइंट्स होते थे उसको जाके वो एक्सप्लेन कर देती थी, एंड शी यूज्ड टू गेट वेरी गुड मार्क्स. ऑप्शनल में अटकता था उनका, जीएस में कभी कमी नहीं हुई, इससे में कभी कमी नहीं हुई. तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि जब आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ते जाएंगे, तो फिर आपके नोट्स में कंटेंट बढ़ता जाएगा. उस कंटेंट को आप मल्टीपल रीडिंग से कई चीजें आपको याद हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से पॉइंट बना लीजिए, दोज बिकम्स योर माइक्रो नोट्स. सेम चीज आपको ऑप्शनल में भी करनी है. अभी तक कुछ क्वेश्चन आया तो मैं एक बार देख लूं.
तो काफी कुछ हमने न्यूज़पेपर वगैरह तो डिस्कस कर लिया, नोट्स बनाने का भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। नोट्स के लिए प्लीज चिंता मत करिएगा, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, यू कैन डिपेंड ऑन द नोट्स प्रोवाइडेड और अदरवाइज आउट ऑफ दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट योर नोट्स अकॉर्डिंगली, कि मतलब प्रीलिम्स के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इसको मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके पेज पे लिख लिया, चलेगा वो। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से भी ली जाती है ना, उस चीज का ध्यान रखना है। नाउ एक बार मेंस के सिलेबस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम आपको सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। कई लोगों को प्रीलिम्स का डर लगता है, तो मैं आपको प्रीलिम्स का डर खत्म कर दे रहा हूँ यहीं पे। अभी एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं। वन सेकेंड, एक पॉइंट मिसिंग है। हाँ, ऑप्शनल जिम्मेदारी है कि उस पर भी डिस्कस कर लें एक बार, कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पैटर्न ऑलरेडी देखा, ऑप्शनल कितने मार्क्स का था? ऑप्शनल था आपके 500 मार्क्स का। यू माइट थिंक कि अरे जीएस में तो 250 मार्क्स इंटू 4 है, दैट बिकम्स 1000, देन एसए का भी 250 जोड़ दो और नहीं तो इंटरव्यू का भी 275 जोड़ दो, तो ये तो बहुत हो जाता है। ये एसए और जीएस के सब्जेक्ट कितने के हो गए? 1250 के, और उसके सामने ऑप्शन कितने का है दोनों पेपर मिला के? 500 का। तो जीएस में फोकस करते हैं, बड़ा मजा भी आएगा, जीएस इंटरेस्टिंग होता है, करेंट अफेयर आ रहा है, आप डेली पढ़ रहे हो, उसमें पढ़े जा रहे हो, यूक्रेन रशिया चल रहा है, अभी तमिल ये श्रीलंका का इशू चल रहा है, तो डेली उसके बारे में अपडेट ले रहे हैं, बड़ा मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और लोगों से बात भी कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन में आप क्या बात करोगे? जैसे सुब्रांशु का मैथ्स है, तो सुब्रांशु अपने कितने फ्रेंड्स से मैथ्स के बारे में बात कर सकते हैं? सुप्रिया का बॉटनी है, आप में से कई लोगों का मैं ऑप्शन यहाँ पे देखूँ तो फॉर एग्जाम्पल हरमिंदर का मेरे हिसाब से पंजाबी लिटरेचर है, तो उस पर कितने लोगों से बात कर पाएंगे, कितने फ्रेंड्स से कन्वर्सेशन होगा? नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, हाँ पंजाबी लिटरेचर है, PSIR है, सोशियोलॉजी पे थोड़ा बहुत हो भी जाता है, जूलॉजी पे क्या डिस्कस करोगे? तो ये चीजें नहीं हो पाती। इंटरेस्टिंग इंसान को क्या लगता है, मजा किस में आता है? मजा आता है इंसान को करंट अफेयर पढ़ने में और जीएस की बातें करने में। लेकिन जब आप एग्जाम में सिलेक्शन देखेंगे लोगों का, किसी भी टॉपर का निकाल के आप मार्क्स देख लीजिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, दिस ऑप्शनल इज ऑब्वियसली बहुत अच्छा। जनरली वो 250 तो क्रॉस करेगा ही, कई लोगों का 300 भी क्रॉस करता, कई बार तो लोगों का 330-340 तक क्रॉस करता, 375 के ऊपर नहीं जाएगा, उसके ऊपर नहीं पॉसिबल है, बट 350 तक भी लोग स्कोर कर लेते हैं रेयर केसेज में, एक्सेप्शनल केसेज में, बट जनरली सिलेक्टेड लोगों का 300 के करीब होता है। ये फर्क क्यों होता है? क्योंकि जब आप एसए के मार्क्स देखेंगे ना, तो उनका वेरिएशन कहाँ होगा? सिलेक्टेड पीपल का एसए का मार्क्स का वेरिएशन, मेरे कभी जैसे 135 या कुछ आ गए, एक बार 143 आ गए, बीच बीच का कितना वेरिएशन है 10 मार्क्स का। जीएस में कितना है? ऑलमोस्ट सबके सिलेक्टेड लोगों के 100 के करीब ही रहेंगे, अब वो 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, इसी के बीच में वैरी करेगा। और इनके सारे मिला के अगर आपका 400 क्रॉस हो गया, तो आप समझ लो अच्छी सिचुएशन में। मिला जुला के मेरा कहने का ये मतलब है कि 1000 का जीएस कहने को तो है, लेकिन फाइनली जब मार्क्स आते हैं ना, एवरीबडी ऑलमोस्ट एवरीबडी स्कोर बिटवीन 350 एंड 450, दैट मीन्स कि 450 जो जीएस में स्कोर कर रहा है, जीएस का वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स होता है, और कई बार ये तो 450 ही हाईएस्ट रहा है, और 350 काइंड ऑफ सिलेक्टेड लोगों का मिनिमम टाइप का मार्क्स होता है, वेरिएशन बहुत कम होती है जीएस में, ठीक है। फर्क पड़ता है ऑप्शनल में, ऑप्शनल में लोगों के मार्क्स 150 से लेके 350 के बीच में वेरी कर जाते हैं, 300 अगर आपका हो गया तो आप समझ लो बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में। इसको इग्नोर मत करिएगा, ऑप्शनल के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और कॉरिडोर का अभी ऑप्शनल का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, मैं आपसे एक मतलब सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल है खर्च करके लोन लेके जैसे भी करें, अगर पॉसिबल है तो ऑप्शनल में गाइडेंस ले लीजिए, कोचिंग प्रेफर करिए जो इस्टेब्लिश्ड कोचिंग है, जो अच्छा पढ़ाते हैं, राइट नोट्स देते हैं, टेस्ट सीरीज है, इवेल्युएशन है, और ये कोशिश करिएगा कि दिसंबर का मंथ जो है ना 2022 का, तब तक अगर आप ऑप्शनल का पेपर दें तो 250 मार्क्स का है, राइट 500 नंबर का, तो अगर आप पेपर वन देने जाए ना मॉक टेस्ट में, तो आप कम से कम वहां पे 125 स्कोर करें, अगर पेपर टू देने जाए तो 125 स्कोर करें, नहीं तो फिर आप प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स हम करवा देंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा कि आप मेंस देने जाएंगे, ऑप्शन में कम मार्क्स आएगा, मेंस नहीं होगा तब तक दूसरा प्रीलिम्स आ जाएगा, तो फिर से आप प्रीलिम्स देंगे, फिर से प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, मेंस नहीं होगा, और 6 के 6 अटेम्प्ट जो है लाइन से ऐसे चले जाएंगे। प्लीज ये डिजास्टर मत करिएगा, पिछले बैच में भी ये प्रॉब्लम रही थी, कई लोगों ने ये बोलने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं किया, जीएस का तो ज्वाइन कर लिया, इसलिए अवेलेबल था, अफोर्डेबल था,
और ऑप्शनल का नहीं किया। ऑप्शनल के मैंने ढेर सारे ग्रुप बना दिए, पांच पांच लोगों का आपस में कम्युनिकेट करी, कुछ नहीं पोस्ट किया कई लोगों ने, और आज ऐसे सिचुएशन है कि वो कह रहे हैं कि ऑप्शनल चेंज करने का मन कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस, तो ये गलती मत रिपीट करिएगा। इट इज एडवाइजेबल, अफोर्डेबल, कोई क्वालिटी कोचिंग हो तो आप ले लीजिए ऑप्शनल का। एंड द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन टिल दिसंबर मंथ्स में ना 50-50 पे आप चल सकते हैं, 50 नहीं तो 60-40 पे चलिए। दैट मीन्स कि अगर आप 10 आवर्स पढ़ते हैं तो 6 आवर्स आप जीएस को दीजिए, राइट, 4 आवर्स आप ऑप्शनल को दीजिए। पेपर वन कोई भी सब्जेक्ट होगा पहले करिए, क्योंकि पेपर वन आपका फाउंडेशन होता है, पेपर टू आपका एप्लीकेशन होता है, एक्सेप्ट द साइंस ऑप्शन। साइंस में कभी कभी ऐसा रूल नहीं चलता, फॉर एग्जाम्पल बॉटनी था हमारा, तो उसमें कोई पेपर एप्लीकेशन जैसा कुछ नहीं था, पेपर वन भी स्टैटिक था, पेपर टू भी स्टैटिक था, बट जनरली आपका एप्लीकेशन होता पेपर टू में। तो याद रखिएगा, ऑप्शनल इग्नोर मत करिएगा। आपका ये आज से डेडलाइन है, दिसंबर के मंथ्स तक यू शुड बी स्कोरिंग अबव 250 आउट ऑफ 500 इन मॉक्स। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप प्रिकैरियस सिचुएशन में, क्योंकि जनवरी से आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का ऑप्शन, फिर आप एग्जाम में जाकर बैठ जाओगे, बीच के 3 महीने में आप खाली पैनिक करोगे, ना आपका ऑप्शनल होगा ना जीएस होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक, कुछ लोगों ने वहां पे डाला है फॉर्म में कि उन्होंने ऑप्शनल चूज नहीं किया अभी तक। सारे क्वेश्चन अभी से, मुस्तफा रुक तो जाइए यार, से रिपोर्ट पढ़ेंगे, एक सेकंड मुस्तफा, आपको कुछ दिखाता हूं मैं, शुभ्रांशु वगैरह मैंने तो किया हुआ है, एक सेकंड। नहीं हो ना अपने प्लेटफॉर्म पे, ऐसे थोड़े कहते हैं कि नहीं बेस्ट है, उसका कुछ कारण है ना। मिल जाएगा बस, एनीवे मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि एआरसी को हम लोग अलग से नहीं पढ़ाते हैं। वी हैव ए वेरी यूनिक सिस्टम कि व्हेन वी आर टीचिंग यू द पॉलिटी और एथिक्स, हम एआरसी के रिकमेंडेशन, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन, इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन, इसके अलावा और भी कोई कमेटी वगैरह होगी, पार्लियामेंट्री कमेटी तक, ये सारा हम इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ट्रस्ट रखिए, दिस इज यूनिक सिस्टम। मैं आपको दिखाई देता हूँ, हाँ सी, मैं पंचायती राज पढ़ा रहा था कल ही क्लास में, जो आपको पोस्ट दिखा भी होगा कि लास्ट क्लास ऑफ पंचायती राज। कैन यू सी यहाँ पे सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन ऑन लोकल बॉडीज, सो व्हाइल टीचिंग द लोकल बॉडीज आई विल बी इंक्लूडिंग द सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन। नॉट ओनली दैट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पंचायती राज, ये चीजें लक्ष्मीकांत में नहीं मिलती है, ठीक है, ये सारा आपको सॉर्टेड मिलेगा, ये हैंड राइटिंग जैसे भी उसको बाद में इंप्रूव कर लिया जाएगा, बट यू कैन सी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो वो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए मैं कंटेंट वाले पे ज्यादा डिस्कशन में जा नहीं रहा, क्योंकि ये हमारी तरफ से गारंटीड है। अब इतना तो लोकल बॉडी पे सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन डाला हुआ है, इसके अलावा और सारे और भी कुछ हैं रिकमेंडेशन वगैरह पंचायती राज के, तो और क्या चाहिए, जब आपको मिला के चैप्टर में ही इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है, तो आप अलग से जाके सेकंड एआरसी के डाउनलोड कर करके कि नहीं हम उसको अलग से पढ़ेंगे, क्यों करें, हमारा काम इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो जब भी आपको पढ़ाएंगे प्री और मेंस, आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ना कंटेंट में ना टीचिंग में, आप निश्चिंत रहिए इन चीजों के लिए। खैर, मेरा डिस्कशन था अभी ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल को अगर आप लोगों ने नहीं चुना है, क्योंकि कुछ लोगों का वहां पे मैसेज है कि उन्होंने ऑप्शनल भी डिसाइड नहीं किया है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं, ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए 2-3 फैक्टर आपको देखने हैं। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, ले लीजिए, ठीक है, भले आपको लगेगा कि वीक है, दूसरे सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, लेकिन आप रियलाइज करेंगे कि जो चीज आपने 3 साल पढ़ी है उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज जाके पढ़ना, वो 1 साल में कंप्लीट करना, 5 महीने में कंप्लीट करना मुश्किल होता है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू गो फॉर दैट। स्टिल आपका इंटरेस्ट मैटर करेगा, एप्टीट्यूड मैटर करेगा, फाइन, किसी ने मैकेनिकल पढ़ा, जबरदस्ती पेरेंट्स ने पढ़ा दिया,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना ले तो अच्छा, हो सकता है उसको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा सूट करेंगे। तो एप्टीट्यूड भी देख लीजिएगा, अपना इंटरेस्ट भी देख लीजिएगा, और ज्यादा ना ये कि सिलेबस ओवरलैप कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो जीएस 4 हो जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जीएस का ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री ले लेंगे तो हिस्ट्री हो जाएगा। अरे भैया वो सब करने में ऐसे भी कितना टाइम लगता, 15-20 दिन लगता उस सेक्शन के लिए, आप पूरा जो है ऑप्शन चेंज कर दोगे, ये गलती मत करिएगा। और ये भी नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज ले लेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सी, इफ यू आर ए पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द साइंस ऑप्शनल, तो अगर आपने पढ़ा है तब भी लीजिए। दैट मीन्स कि अगर आपने बॉटनी से किया हुआ ग्रेजुएशन तो बॉटनी लीजिए, जूलॉजी से किया हुआ तो जूलॉजी लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, मैथ्स पढ़ा हुआ, उसके हिसाब से लीजिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़े हुए हैं और अगर आप साइंस ऑप्शनल ले सकते हैं जो कि अलाउड है, तो आप फंस जाएंगे, आपको दिक्कत आएगी। अगर आप साइंस पढ़े हुए तो आप ह्यूमैनिटीज ले लें, आप कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम आप देख लीजिएगा कि जैसे आप सोशियोलॉजी ले रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी सही होनी चाहिए, आपको लिखना आता नहीं बिल्कुल, ऑल ऑफ अ सडन आप सोच रहे हो कि आप एकदम साइंस वाले स्टूडेंट जो है, आप एथिक्स वाली चीजें, फिलोसफिकल चीजें बड़े आराम से लिख लोगे, आपने फिलोसफी ले लिया, आपको समझ में आ नहीं रहा ये क्या दर्शन शास्त्र क्या होता है, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं तो आज तक साइंस समझता था। तो पोल में एक तरफ तो होता है फिलोसफी और एकदम अपोजिट होता है लास्ट में पोल के साइंस, अब आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी गलती ना करें, अपना एप्टीट्यूड देखिएगा, इंटरेस्ट देखिएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब इस ऑप्शनल का सब्जेक्ट वाला जो है टॉप कर रहा है, एक बार मैथ्स वाले टॉप कर रहे थे, आप पिछले साल जो है मैथ्स वाले मेरे मैसेज करके रो रहे हैं कि नहीं स्टेप मार्किंग की है, काट लिए सारे नंबर, सॉरी स्टेप मार्किंग नहीं की है, अगर आंसर नहीं आया सही तो सारे नंबर काट लिए, जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू दिया था उनका कॉल तक नहीं आया। तो कभी भी जो है कम ज्यादा होता रहता है, ज्योग्राफी के लोग कई बार परेशान होते हैं। एक खाली चीज देखिएगा कि कोई ऑप्शन का सिलेबस इतना वास्ट हो कि आपको लगे कि आपका जीएस भी तैयार नहीं होगा, तो सोचिएगा एक बार। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस बहुत बड़ा है, इंक्लूडिंग मैथ्स का सिलेबस। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है मैथ्स के, नॉर्मल मैथ्स जानते हो और आपने मैथ्स ले लिया, आप सिलेबस ही करते रह जाओगे। ज्योग्राफी का सिलेबस सिंपल नहीं है कि भाई बारिश हो गई मानसून आ गई सिलेबस है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सब कुछ इंक्लूडेड है, एक बहुत बड़ा सिलेबस है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। इस पे कॉल आ गया तो मेरा डेटा चला जाएगा। पांच साल बाद मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है लेकिन डेटा चला जाता, तो आप समझ गए ना। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, रैंडमली जो सब्जेक्ट आपने चूज किया, मान लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी चूज किया आपने, पीएसआईआर चूज किया, कोई भी ज्योग्राफी हिस्ट्री भी चूज किया, तो आप उसके थोड़े एक दो साल का पेपर देखिए, एक दो साल का ही देखिए। आप एक बार देखिए कि बिना पढ़े आपको कितना फैमिलियर लग रहा है, क्योंकि लाइफ भर की नॉलेज के बाद भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल एलियन लग रहा है, प्लीज डू नॉट टेक दैट सब्जेक्ट, somehow you are not acquainted। सोशियोलॉजी का अगर आपको लग रहा है कि फैमिलियर लग रहा है, ये चीज की जा सकती है, ले सकते हैं आप। उसके बाद भी हो सकता है कि कई बार एक एक हफ्ता पढ़ के देखना पड़ेगा, then you might lose the interest। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने अभी तक नहीं किया है और फिर भी कंफ्यूज हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें, आप अगले एक महीना ये एक्सपेरिमेंट करिए, उसके बाद ऑप्शनल डिसाइड करिए, लेकिन एक बार लेने के बाद वो कभी चेंज ना करें। कई बार लोग चेंज करते रहते हैं हर बार अटेम्प्ट में और फिर निराश होकर आते रहते हैं। पढ़ के देखिए, अगर आपको सही लग रहा है तो स्टिक विद दैट। हर सब्जेक्ट स्कोरिंग है, हर सब्जेक्ट के टॉपर होते हैं, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। और कभी कभी होता है कि ज्योग्राफी वालों को कभी कम मार्क्स आ गए थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कम आ गए थे, बट ये कोई रूल नहीं है, हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी वालों को कम आ जाएंगे, तो आप उस पर भी अपना डिसीजन नहीं ले सकते। आप देखिए कि आपकी कैपेसिटी किस चीज के लिए अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन 2 years बैक और 1 year बैक, दे विल आस्क यूपीएससी की तैयारी करते करते और कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस, दैट इज कॉल्ड बैकअप प्लान, है ना, आपने एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी, बैकअप। सब लोग कहते हैं, मैं भी ये रिपीट करूंगा कि अगर आपने यूपीएससी की ठीक से तैयारी की है, इंक्लूडिंग मैं, मुझे भी देख लीजिए, मेरे स्टेट पीएससी में हो गए फिर भी मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं अपने जगह पे कॉन्फिडेंट था कि जहां मैंने इतना लर्न कर लिया है, अब मुझे मतलब कहीं पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। That means कि अगर आप सिंसियरली यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको जॉब के लाले नहीं पड़ेंगे, इवन आफ्टर 32 ईयर एज। मैंने 32 मेरा एज का था ना, 26 माई ईयर स्टार्टेड, मुझे सारे अटेम्प्ट साथ में देने थे तो मैंने खत्म कर दिए और उसके बाद में इस लाइन में आ गया। इंक्लूडिंग अगर आपका एज का भी बैरियर लग गया, डू थिंक कि मैं अगर बैंक में जॉब करता, पीओ बनता, तो आई वुड हैव बीन बेटर सिचुएटेड। तो यहीं पर डिसाइड कर लीजिए, यूपीएससी और क्लेरिकल जॉब कोई बुरा ना माने इस चीज को, दोनों एक चीजें नहीं होती हैं। बैकअप लेना भी है, साथ में एग्जाम देने भी है, तो ऐसे एग्जाम दीजिए जो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस पे है।
ऐसे एग्जाम होते हैं आपके सीडीएस के एग्जाम होते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, स्टेट का पीएससी होता है, ठीक है, कभी कभी आरबीआई ग्रेड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी जॉब है एक्चुअली। आरबीआई ग्रेड भी हो सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकता है, थोड़ा बहुत एसएससी भी हो सकता है, बट अगर आप बैंक का, आईबीपीएस का, आरआरबी का जाके एग्जाम देंगे और फिर 32-35 हज़ार की नौकरी लेके आएंगे और कहेंगे कि हमने सरकारी नौकरी के नाम पे बहुत हंगामा कर दिया, वो भी सरकारी नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, अर्ध सरकारी है, यू विल नॉट बिकम गैजेटेड ऑफिसर। तो प्लीज ऐसे लालच में ना सोसाइटी के दबाव में नहीं पड़े। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, इनफैक्ट थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, प्लीज ओनली अपियर फॉर यूपीएससी अगर आपने सिंसियरली एक भी बार नहीं दिया। अगर आपने सिंसियरली दे दिया और आपने देख लिया कैपेबिलिटीज की भैया हमसे तो नहीं होगा, पढ़ने के बाद भी नहीं होता, हमने सब कुछ परफेक्टली किया था फिर भी नहीं हो रहा है, नहीं है कैपेबल, तब जाना है तो दीजिए कोई एग्जाम, कोई अलग बात है। बट अगर आपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं किया तो प्लीज बैकअप प्लान का भी मत सोचिए। आप नहीं बैठेंगे, आप ठीक से पढ़ेंगे, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, मेंस लिखेंगे, तो आप कॉरिडोर पे काम कर सकते हो, और ये ऑल दी जॉब्स जितने भी आपने लिस्ट की ना उससे सब में आप में बेटर सिचुएटेड होंगे। तो जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है कैपेबल लोगों के लिए, उनके लिए लोगों होता है जो उनको मेहनत नहीं करना आता या मतलब स्किल सेट डेवलप नहीं किए, लेकिन फिर भी कहना है कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सारे लोगों की नौकरी चलेगी पैंडमिक। लेकिन आपने देखा कई लोगों को नौकरी से निकाला भी तो उन्होंने और अच्छा पैकेज ले लिया, हमारे भैया को भी दिक्कत आई थी, तो जो चीज उनको वहां पे कोई हाफ पैकेज मिल रही थी उससे डबल पैकेज लग गया, क्यों? क्योंकि स्किल थी। तो स्किल वाले लोग घर पे नहीं बैठते, ठीक है, ये कहने की बात है, कहीं ना कहीं इंसान में कमी होती है, नहीं तो फिर ऐसा इंसान जिसको नहीं मिलता वो अपना जॉब क्रिएट कर लेता, हमने कर लिया चलो ठीक है। बैकअप प्लान में ये बैंक वगैरह का जॉब ना इंक्लूड करें, ये आपको सुबह 9 को बुलाएंगे 9 AM और शाम तक काम कराएंगे 6 बजे तक, और आजकल बैंक का नेचर भी चेंज हो रहा है, कई लोग तो घर जाने के बाद भी काम कर रहे हैं जो कि कभी नहीं होता था क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है, राइट। ये एडवाइस नहीं करूंगा, सबसे अच्छा रहता है ये जो सीडीएस सीएपीएफ वगैरह देख रहे हैं, स्टेट पीएससी, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऑलमोस्ट जो यूपीएससी करते हैं ना वो एग्जाम ये सारे जाके क्रैक कर लेते हैं, कुछ स्टेट का फैक्चुअल पढ़ लेते हैं और जाके आराम से एग्जाम में बैठ जाते हैं, क्रैक कर लेते हैं। जिनका नाम बताया रिचांशा का, फिफ्थ रैंक आई थी उनकी बीपीएससी में, यूपीएससी में भी इंटरव्यू दे रही थी, उधर भी जाके फिफ्थ रैंक लेकर आई, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, 20 साल की एज थी, कई पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं थे, उनको फिर से दिया एग्जाम उन्होंने स्टेट पीएससी का, फिर से कर लिया, फिर अगले साल दिया, फिर से कर लिया, अंत में जाके बिहार फाइनेंशियल सर्विस ज्वाइन कर लिया कि अब नहीं देना। हर साल कैसे कर लिया यूपीएससी का एस्पिरेंट होने के बावजूद, क्योंकि सिमिलैरिटी है, हल्का सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया हो जाएगा। अगर वो बैंक एग्जाम देने जाती ना तो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बैंक एग्जाम दे रहे थे और यूपीएससी का मेंस स्किप करना पड़ा उनको, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो ध्यान से, ठीक है, हर चीज के लालच में नहीं आना चाहिए। अगर 3 अटेम्प्ट का कम है अभी और एज बची हुई है, यूपीएससी दीजिए। सारे लोग जो टॉप करते हैं ना उनका सिंगल फोकस होता है, कभी भी देखिएगा कि वो सारे एग्जाम बैठ के नहीं दे रहा था, रेयरली कोई ऐसा होगा जो सारे एग्जाम बैठ के दे रहा था और फिर भी रैंक 1 लेकर आया, नहीं। तो कॉम्प्रोमाइज मत करिए अपने पोटेंशियल को, ठीक है। एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, नहीं तो आप पूछेंगे। अच्छा, अगेन वो आपके जो बैंक वगैरह का एग्जाम के साथ ही एमबीए का एग्जाम है वो भी डिफरेंट है, सो वो भी देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल का भी डिस्कशन हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट कह रहा था मैं कि आपका प्रीलिम्स का फियर खत्म कराना, राइट। तो प्रीलिम्स का फियर खत्म कराने के लिए प्रीलिम्स एक बार सिलेबस देख लेते हैं। छोटा सा सिलेबस है प्रीलिम्स का, कहने को ये नोटिफिकेशन ना इसी साल का है। अच्छा, चलते चलते एक चीज बता दूं कि अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का इशू है, अभी से बता दूं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। टेक्निकल है वो, वहां पे डिसेबिलिटी वालों को इंडियन पुलिस सर्विसेज में तो कोटा भी नहीं है। इनफैक्ट इंडियन आपके जो फॉरेस्ट सर्विसेज है, अगर आप उसका फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वो चीजें आप ध्यान में रखें। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे डिस्कस हो गए। याद था ना, ये रहा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जीएस का पेपर 200 मार्क्स 2 आवर्स, राइट।
करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, क्या आएगा इसमें? लिखा हुआ क्या है? करेंट इवेंट्स, बट दे विल आस्क यू द कंटेम्पररी इवेंट्स ऑल्सो। कोचिंग के कई बार नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन तीन साल का, दो साल का पहले का। यहीं पे मैं एक चीज आपको ऐड कर दे रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, सत्यप्रकाश सुब्रांशु जो पहले से जानते हैं, पर जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, ये करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। PT365 आती है विजन की, या कोई भी एनुअल कंपाइलेशन आता है, दे विल गिव यू द करेंट अफेयर ऑफ वन ईयर एंड मे बी समटाइम्स 1.5 ईयर, फाइन 1 to 1.5 ईयर का आपको देंगे। जून में अगले साल एग्जाम है, तो दे विल स्टार्ट रिलीजिंग ए मैगजीन PT365, जिसमें कि मई 2022 से लेके आगे का कंटेंट होगा। लास्ट के 30 to 45 डेज का यूपीएससी में नहीं आता। अगर आप देखते हैं कभी कुछ आया लास्ट 30 to 45 डेज का, इसका मतलब ये है कि वो कभी ना कभी पहले भी न्यूज में आई हुई चीज, उस 45 डेज पे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के पहले। अच्छा, 1 to 1.5 ईयर का ये लोग मैगजीन निकालते हैं, वेल गुड। 2016 में PT365 से मेरा देखा हुआ खुद का 40 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए। कट ऑफ कितनी चली गई? 116। यूपीएससी ने इसके बाद स्टेप लिया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन मैगजीन वगैरह से कम रहते हैं, ठीक है, कम रहते हैं। मंथली मैगजीन ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो पूरा ब्रॉड आउटलाइन होता है। PT365 में क्या होता है, शॉर्ट में वो लोग डालते हैं, तो मैगजीन वगैरह से कम है। साथ ही साथ ये भी किया कि अब एक साल नहीं, दो तीन साल का पूछते हैं, तो उसको लोगों ने बोला कंटेम्प्रेरी अफेयर। कॉरिडोर की टीचिंग में कभी भी कुछ पढ़ाया जाएगा। कल मैं अगर यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा था लोकल बॉडी का, तो 2015 में जो राजबाला केस आया वो भी डिस्कस हो रहा था। तो जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, कंटेम्प्रेरी अफेयर हैं, ऑलरेडी डिस्कस होते हैं। लास्ट ईयर मृणाल सर जो हैं, उन्होंने एक एनालिसिस निकाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर के, यूपीएससी के प्रीलिम्स में। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है ना, जनरल साइंस बोला हुआ है, बट यूपीएससी जनरल साइंस नहीं पूछता। मजेदार चीज, जनरल साइंस मतलब जनरली स्टैटिक साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साइंस एंड टेक नहीं लिखा हुआ है, वो मेंस के सिलेबस में है। प्रीलिम्स में ओनली जनरल साइंस लिखा हुआ है, लेकिन विद टाइम यूपीएससी इज नो मोर आस्किंग द जनरल साइंस क्वेश्चंस। रिसेंटली इट हैज स्टार्टेड अगेन, लास्ट ईयर इट आस्क्ड ऑलमोस्ट 10 जनरल साइंस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री। दे आस्क कि वाटर में इतनी चीजें डिजॉल्व कैसे होती है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। लाइट के स्पीड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, फिजिक्स का क्वेश्चन। प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल पूछ लिया, फिजिक्स का क्वेश्चन। बट इसके पहले जनरली कई सालों से नहीं पूछ रहे थे। जनरल साइंस में साइंस एंड टेक के नाम पे दे आस्क सम क्वेश्चंस लाइक वैक्सीन से रिलेटेड था, एक था बीटी कॉटन से रिलेटेड, बॉल वर्म और बॉल गार्ड से रिलेटेड, बॉल गार्ड बोला था, BOLGARD भी हो सकता स्पेलिंग, वो ध्यान मत दीजिएगा। एंड ये पूछा थ्री पेरेंट बेबी। आप चाहे तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीथिंग। मृणाल सर की वेबसाइट पे ये सारी चीजें एनालिसिस की हुई है उन्होंने, कि कहां कहां से क्वेश्चन आया। सो ही हैज रिटन कि थ्री पेरेंट बेबी, ये बॉल वर्म, ये किसी को सपना आ जाएगा क्या? ही सेज ना, सपना आ जाएगा क्या कि तीन साल का पहले जाके पढ़ना है, चार साल का पढ़ना है। एक्चुअली में PT365 में भी ये मेंशन नहीं था, क्योंकि ये चीजें न्यूज जो खास करके बीटी कॉटन और थ्री पेरेंट बेबी वैक्सीन तो फिर भी न्यूज में था, ये चीजें जो थी ना ये न्यूज में नहीं थी, ये तीन साल पहले न्यूज में थी, लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया। पर खूबसूरती है कि PT365 के नाम पे हम लोग लेक्चर बना रहे थे, तो साइंस एंड टेक का चार पांच ही लेक्चर बनाते थे, क्योंकि वो यूट्यूब का काम था और मैपिंग वगैरह में भी फंसे हुए थे। 4 to 5 लेक्चर में जब मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, थ्री पेरेंट बेबी में जो स्टेटमेंट बोली थी कि माइटोकॉन्ड्रिया फादर से नहीं आता है, और बीटी कॉटन में बॉल वर्म पढ़ाया था तो उससे बॉल गार्ड उसी से रिलेटेड था सीधा सीधा, ये दोनों क्वेश्चन वहां पे थे, ये PT365 में नहीं थे। अगेन आपको ये समझना होगा कि आपको जो यहाँ पे कंटेंट मिलेगा वो अनपैरेलल्ड है, ऐसे नहीं बोल रहा। आपने ऑलरेडी देखा ना ARC की बात की, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये मृणाल सर का एनालिसिस है कि सपना आ जाएगा क्या कि यहाँ कोई जाकर पढ़ेगा पहले का। हमारे में ऑलरेडी शॉर्ट लेक्चर में सारे कैसे करते हैं, हम जब लेक्चर बनाता हूँ तो मेरे तीन चार सिस्टम खुले होते हैं। अभी भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे वो एक आईपैड है, वहां पे लैपटॉप है, दूसरा जरूरत पे लैपटॉप खुल जाएगा, सामने एक और आईपैड है, कभी फोन भी खुल जाएगा, ये चार पांच सोर्सेस खुल जाते हैं। नाउ आई हैव द कंटेंट ऑफ 3 to 4 ईयर, समटाइम्स 5 ईयर्स। तो ये इम्पॉसिबल चीज ऐसे होती है कि मैंने देखा कि वहां के PT365 में या मंथली मैगजीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग में विजन ने 5 टॉपिक मेंशन किए हैं 2021 में, 5 टॉपिक मेंशन किए उसने 2020 में। तीसरा सिस्टम में मैंने देखा कि उसके पहले 2 साल में ये चीजें मेंशन की। नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं वहां पे बोलूंगा कि हमारा जो है ये टॉपिक कवर होने वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे हम लोग।
एक साल से मैंने वहां देखा बीटी कॉटन आया था 4 साल पहले. आई फील आई नो इट्स इज इम्पोर्टेंट. बीटी कॉटन कोई करंट अफेयर नहीं, वो डेली का आएगा. बीटी कॉटन इज द ओनली क्रॉप विच इज अलाउड एज ए जीएम क्रॉप. तो 4 साल का हो कि 5 साल का हो 10 साल का होगा, बीटी कॉटन की इंपॉर्टेंस कौन कम कर सकता. बट मैं बीटी कॉटन भी पढ़ाऊंगा, फ्लेवर सेवर भी पढ़ाऊंगा, गोल्डन राइस भी पढ़ाऊंगा, राइट. इस तरह से सारी चीजें मैं कवर करूंगा. अब जब एग्जाम में आएगा तो यूपीएससी का जो पेपर सेट कर रहा है, जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछेगा तो समहाउ इसी अराउंड रिवॉल्व करेगा, कुछ नई चीज तो पैदा नहीं कर देगा. मैं जीएम मस्टर्ड भी पढ़ाऊंगा, वो भी एग्जाम में आ जाएगा, आ चुका है. बेटी ब्रिंजल पढ़ाऊंगा, बांग्लादेश कर रहा है, इंडिया नहीं कर रही, वो भी आ जाएगा. मोनसेंटो पढ़ाऊंगा सीड, वो भी आ जाएगा. हमारा कंटेंट ऐसे बनता है ना, अलग अलग सिस्टम से इंटीग्रेट करके उसको फाइनली अपने एक्सप्लेनेशन देना, अपनी लैंग्वेज में देना, क्योंकि हमारा फिर एक्सप्लेनेशन ऐसा रहता है जो याद रहेगा आपको. जो चीजों पे मैं स्ट्रेस करूंगा कि हाँ ये ऐसे करना है, वो जनरली एग्जाम में आएंगे. सीधे सीधे लाइन बाय लाइन है. तो सुब्रांशु ने तो अटेंड किया था, तमिलनाडु का हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं यूट्यूब पे, आप भी देख सकते हो. डाला था ना एक स्क्रीनशॉट सुब्रांशु आपने, तो वो तमिलनाडु की हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे कि पुरानी चीजों की जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वहां भी ये चीज बोली थी. दिस केम इन एग्जाम एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया, और ये होगा आगे भी होता रहा. आज से 2 साल पहले 2020 का प्रीलिम्स आया था यूपीएससी का, तो देयास की एलिफेंट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो केरल में है. नाउ व्हाइल टीचिंग जस्ट बिफोर दिस एग्जामिनेशन इन ए लेक्चर एलिफेंट सेंसस में टीच कर रहा था, और वहां मैंने ये बोला था कि देखिएगा यूपीएससी ये पूछेगा आपसे कि केरला में, तो आप ध्यान रखिएगा केरला नहीं कर्नाटका में, क्योंकि एलिफेंट की बात ही आती तो इंसान उसको केरल से एसोसिएट करता है. मैंने भी जो आपके लिए जो बनाया है इमेज वो ये वाला कौन सा है देखिए दिखा रहा हूं आपको. हाँ, जो आपके लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था आर्ट एंड कल्चर में, ये मैंने एलिफेंट का डाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी केरल से लिया हुआ. ठीक है, तो एलिफेंट मतलब केरल, और ऊपर से एक एलिफेंट मर भर गया था वहां पे, क्योंकि उसके कुछ प्लास्टिक वगैरह चला गया था अंदर, कुछ ऐसा हुआ था, ये ब्लास्ट हो गया था, समथिंग लाइक दैट. तो वो भी लोग केरल केरल जानते थे. तो मैंने ये बोला था कि देखिएगा यूपीएससी केरल पूछेगा आपसे, ऑप्शन में याद रखिएगा कर्नाटका. स्टेटमेंट आप पलट के देख लीजिए 2020 में, सीधा सीधा वो स्टेटमेंट है. और अगर आप वो एलिमिनेट कर लेते हैं, और अगर आप इतना जानते हैं कि एलिफेंट के हर्ड को अगर एक मदर लीड करती है, जो कि कॉमन सेंस है, हर्ड को हमेशा जो है, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म में जनरली पॉपुलेशन के बाद फादर इधर हो जाते हैं, मदर हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है, तो वो लीड करेगी, क्वेश्चन वाज सॉल्वेबल. बाकी ऑप्शन वहां पे बहुत खतरनाक दिए हुए थे कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, उनकी जरूरत ही नहीं थी. तो ये चीजें होती रहेंगी पूरे दौरान, ये अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान. तो पहला सिलेबस का पार्ट हमने क्या डिस्कस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही पहले हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सॉल्वेबल रहेंगे, आपको इश्यू नहीं आएगा. आजकल यूपीएससी इसमें स्टैटिक पूछ रहा है बायोलॉजी, इसके लिए उन्होंने यूज किया है बायोलॉजी का क्लास 11 का 12 का एनसीईआरटी. इस पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ कॉरिडोर करंट अफेयर में, इसको मैं रिकॉर्डेड ही रखूंगा, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड किया हूँ. बुक खोलना पढ़ना उसको बार बार लाइव में पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे प्रॉपर बने हुए, और साथ ही साथ आपको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा. तो दैट विल कंप्लीट योर बायोलॉजी पार्ट. नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए वो सुनहरी चीज है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देखना नहीं है. उसके बाद उस पर करंट अफेयर जब हम ऐड करेंगे, तो मंथली मैगजीन आपको आकाश पढ़ाएंगे, लास्ट में जब मैं राउंड अप वाला लाऊंगा प्रोग्राम, तो आप उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारा कुछ जो है 4-5 साल करेगा. और अगर हम मंथली मैगजीन में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद भी इंक्लूड करूंगा. ऑल आई वांट टू से दैट कि आपको कुछ बाहर से रेफर नहीं करना पड़ेगा, और कोई कितना भी इंटरनेट पे बोले सपना वगैरह, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो दिस इज योर जनरल साइंस, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है. सिमिलरली सैटेलाइट का सिस्टम, स्पेस का सिस्टम, वहां भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. साइंस में और एनवायरमेंट में वी हैव अनपैरेलल्ड कंटेंट, कहीं भी ऐसा अवेलेबल नहीं है. आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, अगर आप एनवायरमेंट के हमारे लेक्चर देखेंगे, कहीं भी ऐसा लेक्चर नहीं है. एनवायरमेंट के जो पीपीटी बनी है, जो एक्सप्लेनेशन बने, उसमें 10-12 सोर्सेज यूज किए हैं. पीएमएफ हो, शंकर हो, सारा कुछ इनपुट किया. तो आपको ना शंकर खोलनी है, ना पीएमएफ खोलनी है, ना कोई खोलनी है. और पीएमएफ आईस की तो मैंने किताब डाउनलोड की खुद भी देखने के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इतनी सिंपल चीजों के लिए, तो वो सब नहीं पढ़ना. शंकर आउटडेटेड है बहुत, उसमें बेकार की चीजें लिखी हुई हैं कि विंड मिल में जो होता है उसका जो पंखा होता है उसकी साइज क्या होती है, कितने मीटर की होती है, ये क्या है एनवायरमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं ये. एनवायरमेंट में 3 सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं मेनली. एक होता है इकोलॉजी का सेक्शन. इकोलॉजी स्टैटिक है, राइट, वो जनरली यूपीएससी आजकल पूछता नहीं है. उसके बाद एक होता है बायोडाइवर्सिटी का सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन 2020 में नेशनल पार्क के 3-4 क्वेश्चन, 2 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. सेम स्टेटमेंट यूपीएससी ने यूज की कि राजस्थान का जो है डेजर्ट नेशनल पार्क, वो जो 2 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, सेम स्टेटमेंट एग्जैक्टली.
और वहां का ऑर्गेनिज्म एक, दोनों स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट मेरे से नहीं कहीं और से बट मैच कर गए। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर आता है पॉल्यूशन का टॉपिक। पॉल्यूशन में हम लोग जनरली पॉल्यूशन के फिनोमेन तो पढ़ते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में, साथ ही साथ एक्ट्स वगैरह हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, ये सारे एक्ट कवर होंगे, सारे लेजिस्लेशन कवर होंगे और फाइनली जो एनवायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंटरनेशनल विल बी टेकन केयर ऑफ। ये वाले जो है स्टैटिक पोर्शन आपको मैं स्टैटिक दूंगा, दैट मीन्स स्टैटिक पोर्शन जो रिकॉर्डेड दूंगा, करंट अफेयर अपना चलता रहेगा, मंथ वाइज चलता रहेगा, फिर लास्ट में राउंड अप करेंगे इसका। क्लाइमेट चेंज तो डाल ही दिया अलग से, ठीक है, तो ये हो गया। और ये दोनों जो है बहुत मेजर पोर्शन बनाएंगे पेपर का, तो आधी टेंशन आपकी यहाँ पे खत्म। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जो भी है ये सेक्टर, ये वाले में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर अगेन आपको 3-4 साल का दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। इसमें क्या करेंगे कि इसमें नीतीश आपको एक स्टैटिक नॉलेज दे देंगे पहले, दैट मीन्स की इकोनॉमी का, जो आप सिराम आईएस पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो या कहीं और से स्टैटिक जाके पढ़ते हो, संजीव वर्मा वगैरह से, वो सब कुछ नहीं है। 40 से 50 घंटे में स्टैटिक वाला नॉलेज दे दिया जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर ऐड करते जाएंगे सेक्टर वाइज, और लास्ट में इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी इंक्लूड कर देंगे, और ये आपका यहाँ पे इकोनॉमी का सेक्टर जो है कम्प्लीटली एड्रेस हो जाएगा। ये तीन हो गए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सिस्टम में क्या ही कमेंट दूं, आज तक स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन है बाहर से है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाते हम खाली, ये हम कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन से रीड करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि मेरे में खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, बट हाँ एक मिनट, कैन यू सी, यही बुक एक मैंने आपको लेने को बोला है, पीएम बख्शी का बेयर एक्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत छोटे फॉन्ट होते हैं तो पीडीएफ में यूज करना बाद में दिक्कत आएगी, अंडरलाइन के वगैरह का तो अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं सीधा सीधा पंचायती राज हो या कोई और भी चैप्टर हो, मैं यहाँ से सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से रीड करता हूँ। अब लक्ष्मीकांत में क्या होता है, ये आर्टिकल ऐसे नहीं होते, बट जब तक आप इसको कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो क्या आपको पढ़ना है? नहीं, सारी चीजें एक एक लाइन यहाँ से, एक एक वर्ड कैसे रीड करना है, किसका क्या मीनिंग है, सारा देख रहे हैं ना, टैक्सेस, ड्यूटी, सब कुछ जो भी है कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसका जो रिटेंशन होता है वो इतना हाई होता है कि कई लोगों को आप सुनते होंगे कि लक्ष्मीकांत टॉपर को सुने कभी, लक्ष्मीकांत 17 times पढ़ी थी, 18 times पढ़ी थी, क्यों पढ़ी थी आपने 17 times? क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी कई जगह पे, और यूपीएससी को वो पसंद आता है, घुमा फिरा के पूछता है, आपको कंफ्यूजन होता है हर बार, भूल जाते हो आप, इसलिए लक्ष्मीकांत जाके 17 बार पढ़ते हो। मैं नहीं पढ़ता लक्ष्मीकांत 17 बार, बट आई यूज्ड टू स्कोर 170-175 इन मॉक्स पॉलिटी में, क्योंकि हमने ये पढ़ी हुई है सीधा सीधा बेयर एक्ट से। एक एक आर्टिकल कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, कब क्या अमेंडमेंट हुए थे कंप्लीटली। लक्ष्मीकांत आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लक्ष्मीकांत में कुछ भी हमें लगता है कि रेलिवेंट है वो आपके नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाएगा, और ये नोट्स बहुत अलग तरीके के बनेंगे। लक्ष्मीकांत कांट भी Can't even make 50% of it. ठीक है, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ जाएंगे सारे, बट हमारे नोट से लक्ष्मीकांत का भी आ जाएगा सारा, और उसके बाद जो है मेंस का भी एड्रेस हो जाएगा पूरा। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो भी हो जाएगा। रिजर्वेशन वगैरह का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है? बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे शुरू करते हैं, केशवानंद भारती कौन थे, वहां से शुरू करते हैं, फिर हम उसके शंकराचार्य का सिस्टम पूरा पढ़ाते हैं चार मठ, क्योंकि वो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, फिर वहां शंकराचार्य को लेकर आते हैं, फिर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, और फिर रिसेंट जजमेंट उसमें इंक्लूड करते हैं अगर कुछ है तो। ये चीजें लक्ष्मीकांत में मिसिंग है, नहीं है, तो आपको लक्ष्मीकांत खोलने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आपने तारीफ सुनी होगी, अच्छी बात है, ठीक है, तारीफ के काबिल है किताब, कोई बुराई नहीं है, बट वी विल बी गिविंग द बेस्ट कंटेंट, वो लक्ष्मीकांत उसका कॉम्पेरिजन नहीं कर सकता। क्वालिटी में इसलिए मैंने लंपसम ही सीधा लिख दिया कि भाई 250 घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी मुझे उसमें कंप्लीट कराना है, ठीक। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, जितना ड्यूरेशन है उतना ड्यूरेशन में आपको नितेश सर पढ़ाएंगे, और वो क्लास करने के बाद आपको जीसी लियोंग और जो एनसीईआरटी है 6, 7, 8 क्लास, और उसके बाद 10, 11, 12 वो सारे स्किप कर देनी है, वो सारे क्लास में इंक्लूड करा दिया जाएगा, हो जाएगा। इसका जो मैपिंग का पोर्शन है नितेश सर तो कराएंगे, अलग से मेरी एक सीरीज भी चल रही है फ्री वाली, तो वो सारे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मैपिंग का, उसमें मैंने हाफ ऑलरेडी करा दिया, और इंपॉर्टेंट जो साउथ है नॉर्थ ईस्ट करा दिया, नॉर्थ के कुछ स्टेट बाकी हैं, तो वो मैपिंग कैसे सीरीज यूनिक आपको पता है, अगर आप नए हैं तो आप जान लें, वो मैपिंग कहने को है, उस मैपिंग के अंदर हर स्टेट का आर्ट एंड कल्चर भी है, दैट मीन्स की उस स्टेट की एक शॉर्ट हिस्ट्री तक है,
राइट। उसके बाद उस स्टेट का डांस है, उस स्टेट का फोक डांस है, क्लासिकल डांस है, म्यूजिक है, उस स्टेट की बायोडाइवर्सिटी है कि कौन तरह के एनिमल होते हैं, वहां का नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसर कन्वेंशन है, ऐसे मैपिंग कराइए। ठीक है, ऐसे मैपिंग कराइए। अगर इंसर्जेंसी है तो क्यों है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की मैपिंग कराइए। उत्तराखंड का खाली पीपीटी बनाया था, उससे अभी मैंने इमेज डाली थी शायद 7 या 8 क्वेश्चन डायरेक्ट, और स्क्रीनशॉट डाला है कि उत्तराखंड के खाली पीपीटी से 7-8 यूके पीएससी की बात कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट यूपीएससी? यूपीएससी में 2 क्वेश्चन आए थे पिछले साल मैपिंग के, एक झारखंड के रिवर का आया था और एक आपके वहां वाले इंडस वाला आया था ना, दोनों क्वेश्चन मैपिंग में सीधे सीधे इमेज में डाले थे, तो वो फिर से होगा, तो कोई इशू नहीं है। उससे आपका आर्ट एंड कल्चर भी फिर से रिवाइज हो जाएगा, बाकी आर्ट एंड कल्चर मैं आपको कराऊंगा क्लास में, वो मेरा रिजर्व रहेगा। ठीक है, नाच गाना सब होगा उसमें। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो बता ही दिया, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं जनरली, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टैटिक में, और करंट अफेयर में इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट वाला सेक्शन स्ट्रांग रहता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें एक बाहर से हेल्प चाहिए। मे बी वी माइट नॉट नीड हेल्प बाहर से भी, बट अभी का ये प्लान है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, नाउ अगेन पीपल विल बी कंफ्यूजिंग यू, प्लासी टू पार्टीशन पढ़ लो, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, आउटडेटेड हो गया, नहीं है जरूरत, अभी तक लोग पकड़े हुए उस चीज को। पलट के देख लीजिए यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन इस बार का, एक एक क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से सॉल्वेबल था। प्रीलिम्स में हमेशा पॉसिबल है कि आपको सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जैसे क्वेश्चन पूछ दें जिसका आंसर आपको इंटरनेट पे भी ना मिले, तो एक्चुअल कभी कभी इधर उधर करते हैं डाइवर्ट, बट अगर आएगा बुक से आएगा तो स्पेक्ट्रम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या स्टाइल है अभी तक का, कि स्पेक्ट्रम खुद में एक कंप्लीट किताब है, प्री के लिए भी मेंस के लिए, विच लक्ष्मीकांत इज नॉट, मेंस के लिए नहीं है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत में बहुत चीजें मिसिंग है, अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल डेवलप नहीं होती। एक नए इंसान को दे दीजिए बच्चे को लक्ष्मीकांत पढ़ लो, वो नहीं समझ पाएगा, हमारे क्लास में बैठा दीजिए वो समझ जाएगा, स्पेक्ट्रम समझा दीजिए समझ जाएगा, कहानी जैसी है। हम करते क्या है अभी वाले बैच में, मोस्ट प्रोबेबली वही करेंगे, और अगर कंटेंट बनाने का टाइम बना तो कंटेंट बना देंगे, देख लेंगे। लेकिन उसमें करते क्या है कि आप स्पेक्ट्रम ले लो, पीडीएफ ले लो या किताब ले लो, मैं भी खोल के बैठूंगा आप भी खोल के बैठो, एक एक लाइन पढ़ूंगा मैं आपको, पूरा स्पेक्ट्रम समझाऊंगा। और सब लोगों ने, जिन लोगों ने एग्जाम दिया, 78 से लोगों के 121 तक मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, और उस प्लेलिस्ट का यूज, एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट का यूज लोगों ने किया है, सिलेक्ट भी हुए हैं, अभी सर्विसेज में है लोगों ने किया, तो आपको यहाँ पे तकलीफ नहीं आएगी। तो अगर हम बुक लेके भी पढ़े तो स्पेक्ट्रम खुद में कंप्लीट है, बट आप भूलोगे क्योंकि बहुत फैक्चुअल चीजें भी कई जगह, जल्दी जल्दी बहुत चीजें हो जाती हैं, रिटेन नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के साथ किताब से पढ़ाऊंगा, और वो लाइव लेक्चर होंगी हमेशा, तो आपको याद रह जाएगा। तो एक ये तरीका है, टाइम मिला तो इसका कंटेंट भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, तो फिर स्पेक्ट्रम को भी मैं साइड कर देता हूँ अभी के लिए। लेकिन ये सजेस्टेड है कि जब मैं कराऊंगा तो शायद किताब से ही कराऊंगा, टाइम बचेगा ना, जब किताब में सारी कुछ चीजें हैं ही, अंडरलाइन कर ही सकते, हाईलाइट कर ही सकते, तो टाइम सेव करते हैं। और किताब हम खरीदेंगे तो हम ये भी कॉपीराइट का भी कोई वायलेशन नहीं कर रहे, एवरीबॉडी हु विल सी द लेक्चर्स विल बाय द बुक, तो उनका भी बेनिफिट इसमें कोई बुराई नहीं है, एथिकली भी रॉन्ग नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके लिए जो लोग सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, दे विल रीड तमिलनाडु ओल्ड, तमिलनाडु न्यू, नया वाला एनसीईआरटी 6, 7, 8 क्लास, 12th क्लास part 1, part 2 थीम, ओल्ड वाली एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। क्लास में गणेश सर हमें पढ़ाएंगे, इसमें घटना चक्र का लेवल तक का कवर करेंगे, क्योंकि घटना चक्र के क्वेश्चन भी यूपीएससी कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री में, यूपीएससी सीधे पूछता है, कई बार लुसेंट तक से आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं हम लुसेंट के लेवल को पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये है कि लुसेंट से भी अगर यूपीएससी कुछ पूछ सकता है तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। हमें एलर्जी नहीं है किसी नए सोर्स से, अगर वहां से क्वेश्चन आते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये तो स्टेट पीएससी का है, फैक्चुअल है, इस किताब की बेइज्जती है, हम तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कवर्ड रहेगा लेक्चर में, सब सारा कंटेंट रहेगा, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है घटना चक्र से पूछ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ रहे हैं स्टेट का, तो हम एलर्जी क्यों रखें, हमें तो स्कोर करना है। तो हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एंशियंट और मेडिवल कवर करेंगे, मॉडर्न का तो मैंने आपको बता दिया। आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, जितना नितिन सिंघानिया में कंटेंट है और एक एनसीईआरटी की फाइन आर्ट आती है, वो दोनों लेक्चर में कवर होगा, वो अलग से आपको किताब वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं है, एक इमेज डालूंगा और साथ में एक्सप्लेनेशन डालूंगा, तो नोट्स बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएंगे। उसमें शुभ्रांशु मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, तो हम लोग बना लेंगे उसको। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपको बताया गया। नाउ सी द करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विल बी इंटीग्रेटेड इन हाउ मेनी प्लेसेस, इट विल कम इन पॉलिटी, राइट, इट विल कम इन ज्योग्राफी ऑल्सो समटाइम्स,
कि रिसेंटली पूछा उन्होंने कि कौन सा इंडिया का वॉल्केनो जो है बारेन आइलैंड करके है, तो कौन सा कब उसका लास्ट टाइम पे वॉल्केनिज्म हुआ था वहां पे, भी करंट इवेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, बट ज्योग्राफी का पार्ट है, तो दिस कैन हैपन। इकोनॉमिक्स में जनरली क्वेश्चन आपके करंट ही रहेंगे, ठीक, दिस कैन कम हियर ऑल्सो, दिस कैन कम हियर ऑल्सो, दिस कैन कम हियर ऑल्सो। बेल और नॉन बेल बिलेबल वारंट, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, बेल से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मैं याद नहीं कर पा रहा, क्वालिटी का था बट इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, तो करंट में आ गया, वो भी आ गया। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, ये जनरली करंट अफेयर ही होता है, तो करंट अफेयर पलट के, एक सेकेंड, करंट अफेयर यहाँ भी आ जाएगा, करंट अफेयर जनरल साइंस में भी आ जाएगा, तो समझ रहे हैं आप, करंट अफेयर इस तरह से इंपॉर्टेंस है कि अकेले खाली करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन स्टैटिक वाले कई बार लिंक करके आते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई पूछे कि करंट और स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो फिर इसका एक सीधा सा नॉन कंफ्यूजिंग जवाब है, स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा है तो आप करंट अफेयर आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप लिंक ही नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं मेंस में या प्रीलिम्स में, तो दोनों को मिक्सअप किया जा रहा है। स्टैटिक का नॉलेज रखें, उसको करंट अफेयर में अप्लाई करें और फिर आंसर करें, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो स्टैटिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में, बिल्कुल कि आप जंप ना कर जाएं कि करंट अफेयर में पढ़ना है, डेली करंट अफेयर में 4 घंटे दे रहे हैं। अरे पहले फाउंडेशन तो बना लीजिए, तो आपकी शुरुआत होगी क्लास की ज्योग्राफी की, तो आपसे ये उम्मीद है कि आप सारी क्लासेस लाइव अटेंड करेंगे, फिर इकोनॉमी की क्लास होगी तो सारी लाइव अटेंड करेंगे, और फिर पॉलिटी की होगी तो लाइव अटेंड करेंगे। जब ये सेक्शन हो जाएंगे, दैट मीन्स कि ज्योग्राफी हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, देन यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग ऑल्सो। उसके पहले आंसर राइटिंग मत करिएगा। हाँ, क्लास में जो दिया जा रहा है असाइनमेंट, एक एक क्वेश्चन, वो कर सकते हैं, बट व्हाट आई मीन टू से कि टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करिएगा, क्वालिटी हो जाती है, GS2 हो जाता है, तो GS2 के फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले करेंगे ज्यादा, तो फिर आपकी क्वालिटी का एक जो है लिमिट वहीं पे फिक्स हो जाएगा। नॉलेज है नहीं, कंटेंट है नहीं, लिखे जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्लास में अगर कुछ क्लास पे बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है तो थोड़ा हाथ खोल लेने में क्या हो रहा है। तो किसी भी चीज को ना एकदम बाउंड ना करने की ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, इतना ना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से। क्लास में अगर हमने पढ़ा दिया, पंचायती राज खत्म कर दिया, या मान लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंप्लीट कर दिया, अगर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो लिखने में क्या बुराई है। हम यही बोलेंगे नहीं, हम 4 महीने बाद ही लिखेंगे आंसर, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी रखें, बट फुल लेंथ टेस्ट वगैरह की शुरुआत आप जो है सितंबर के बाद करिएगा, उसके पहले मत करिएगा सितंबर में, क्योंकि अपने GS4 भी खत्म करा देंगे ना, इसीलिए उस मंथ में 2-2 क्लासेज है, वो इंटेंसिटी के साथ होगा तो काइंड ऑफ सिलेबस वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 11 जून को तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि साइंस का भी और एनवायरमेंट का भी स्टैटिक दे दूंगा, उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस जम के। तो ये है गोया आपका सिस्टम। कुछ चीजें और भी मुझे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। आपके कोर्स में हमारा एक अलग से कोर्स चलता है, इस बार शुरू किया ही, मतलब विकास, मैंने और सत्यम ने 42 ईयर का यूपीएससी का एक्सप्लेनेशन। वाई 42 ईयर्स, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 27 का सब देते हैं तो 42 का क्यों दे रहे हैं? कई बार इस बार के यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आया, उसका ऑप्शन था, ऑप्शन में था 64 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश, ऑप्शन में था, ठीक है, और ये शायद करेक्ट ऑप्शन था भी नहीं आंसर। नाउ दिस बिकेम ए क्वेश्चन इन लास्ट ईयर 2021। जितना इंपॉर्टेंट होगा, जितना रिलिवेंट होगा, उतना ही पहले ईयर के कराएंगे। वो हमें पता है कि 42 ईयर बहुत होता है, इतने की जरूरत नहीं है, 4 युग का करा देंगे क्या, ये हमें चीजें अंडरस्टैंडिंग है इतनी। तो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं करा रहे हम, उसमें रिलेवेंट चीजें निकालेंगे ना। अगर फंजाई पे क्वेश्चन आया था पहले, और इस साल भी अगर फंजाई पे आया कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको सॉइल की जरूरत नहीं होगी 2022 के प्रीलिम्स, सॉरी 21 के प्रीलिम्स में, तो हम उसे रिलेवेंट देखेंगे ना कि पहले इस पे क्या पूछा है। तो क्या बुराई अगर उसको शॉर्ट में पुराने वाले को कर लिया जाए, इसलिए वो इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके आपको सारी चीजें बेसिक है, जनरल साइंस की जो आती थी कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे पहले, पहले बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आते थे, कुछ कुछ बीमारियां पूछते थे कि ये डिजीज कैसे होता है, इस विटामिन की कमी से क्या होता है, ये स्टेट PSC का क्वेश्चन है। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, हमें पता है वो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से कुछ आया है, महाबलीपुरम टेम्पल का कुछ आया है, तो हम इंक्लूड करेंगे ना, वो रेलिवेंट हो जाता है, तो हम वो सिलेक्टिवली 42 ईयर वाला जो है आपके में इंक्लूडेड है। ये 2022 के प्रीलिम्स के लिए अभी अभी कंक्लूड हो रहा है, कुछ दिनों में, इसी मंथ हो जाएगा कंक्लूड, कि आपके फोल्डर में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो आपके लिए अवेलेबल रहेगा।
जब बात की है PYQ की तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या बोला था, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है तो आपको नोट करा दे रहा हूं आपके पास सिलेबस। एक सेकेंड, आप चाहे तो नोट कर लें, ऐसे ग्रुप में डाल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस, सिलेबस किसका, प्री का, मेंस का, ऑप्शनल का। प्रिंट करा के, इसका डिजिटल नहीं चलेगा, प्रिंट करा के अपने टेबल के पास अपने रूम में लगा लेना, वो दिखता रहना चाहिए। क्योंकि ये नहीं दिखेगा ना तो फिर न्यूज़पेपर पूरा पढ़ने का मन करेगा, मैगजीन पूरी पढ़ने का मन करेगा, हर जगह कुछ भी न्यूज आएगी टेलीग्राम पे तो वो रिलीवेंट है, खोल के बैठ गए उसको। नहीं, जरूरी है कि आप मेंस का सिलेबस कम से कम GS का पूरा याद रखें, ताकि कोई भी टॉपिक आप देखें तो आपको समझ में आए कि GS 3 के इकोनॉमी के सेक्शन में यहाँ पे सेट हो रहा है, इसको पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ये तो कहीं सेट ही नहीं रहा तो इसको क्यों पढ़ूं, राइट। यहाँ पे दूसरी चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है PYQs। ये लेक्चर तो मैं ऐड कर ही दूंगा, बट आपसे ये उम्मीद है, मैं PDF डाल दूंगा 27 ईयर वाला, आप उसके PYQ को गो थ्रू करें, समझने की कोशिश ना करें, बट एटलीस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय UPSC रिसेंटली। पिछले 10 साल का ही देखिए, ज्यादा का मत देखिए, वो छोड़िए यार, पिछले 5 साल का ही आप देखिए ना, 5 ईयर्स का अभी उतना छोड़िए, 5 ईयर का आप मेंस का और प्रीलिम्स का देखिए, तब जब वो हो जाएगा देखना तो 2013 से देखिएगा जब पैटर्न चेंज हो गया था, फिर वो भी हो जाएगा तो आप अपने कोर्स के हमारे वीडियो देखना शुरू करिएगा, अभी मत देखिए। तो आपने गो थ्रू करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सिलेबस में जो टर्म मेंशनड है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अगर मेंशनड है तो क्या एग्जाम में एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज यूज की है कि इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की क्या प्रॉब्लम है, या कुछ टर्म चेंज कर दिया, क्या अंदर जाके पूछा है, या सिंपली जो है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया उस टर्म को। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद ही आपके साल भर अच्छी पढ़ाई होगी, नहीं तो आप इररिलेवेंट चीजें पढ़ते रहोगे, ठीक। तो PYQ ये आपके पास होना चाहिए, PDF डाल दूंगा, आप उसमें पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पलट के रात में सोने के टाइम पे या कैसे भी एक बार देख लिया करिए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ये चीजें आपके लिए हद से ज्यादा रेलिवेंट है, कोर्स में इंक्लूडेड भी है डिस्कशन, तो कोई इशू नहीं आएगा। एलिमिनेशन, रियल एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लें 30-40 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर पता नहीं होंगे, क्योंकि देखिए इंसान कितना भी पढ़ ले, 4 ऑप्शन है वहां पे, उसमें भी मिक्सअप किया हुआ है ना, एप्लीकेशन है किसी चीज का, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। लेकिन एलिमिनेशन में सबसे ज्यादा अगर कुछ हेल्प करता है तो आपकी नॉलेज हेल्प करती है, और नॉलेज में क्या है, न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर की मैगजीन है, आपका स्टैटिक क्लासेज हैं, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। योजना आपने पढ़ा था, मैगजीन पढ़ा था, PIB वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैगजीन में इंक्लूड हो जाता है, डेली करंट अफेयर में इंक्लूड हो जाएगा वो, PIB मत पढ़िएगा जाके, PRS मत पढ़िए, बिल वगैरह लेक्चर में इंक्लूड हो जाएगा पॉलिटी में, ठीक। तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होगा। आंसर राइटिंग क्लास वाली जो मिलेगी उसको अभी करना है, लेकिन ओवरऑल FLT वगैरह सितंबर में ज्वाइन करिएगा, अभी मत करिएगा। हो गया ये, एनीथिंग रिमेनिंग? मैपिंग बताई दी आपको कि आप हमारे लेक्चर पे आराम से डिपेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक किताब और ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की मैप वाली किताब ले लीजिएगा, क्योंकि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे ना तो लोकेशन मार्क करेंगे कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया, आप उस लोकेशन को मार्क करेंगे। तो आप बड़ा वाला मैप ना ले ले चलेगा, वॉल पे लगाने वाला, बट ऑक्सफोर्ड या ओरिएंट ब्लैक स्वान, इन दोनों में से एक कोई जो है मैप वाला किताब लेटेस्ट ले लीजिएगा, जब इंडिया का नया मैप आया उसके बाद वाला, इनमें से कोई एक ले लीजिएगा, क्योंकि आप मार्क करेंगे लोकेशन ना तो एग्जाम के एक दिन पहले इन सारी चीजों को आप 45 मिनट में रिवाइज करके चले जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे वहां से, 6 नंबर का हो गया ना 2-3 क्वेश्चन, बहुत बड़ा मार्जिन मिल जाता है। तो इसको आप साल भर मार्क करते रहेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। अब लास्ट में आप सोचेंगे कि जाके यूट्यूब पे सर्च करें कि भाई कौन मैपिंग करा रहा है, प्लेसेज इन न्यूज आजकल लोग पढ़ते हैं, प्लेसेज इन न्यूज, अभी तो न्यूज आ रहा था तो उसी दिन मार्क क्यों नहीं किया, प्लेसेज इन न्यूज जाके पढ़ रहे हैं, ये सब मत गलतियां करिए, चुपचाप इसको पढ़िए, काम हो जाएगा, इंटरनेशनल वाला भी हो जाएगा, नेशनल वाला भी हो जाएगा। कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होती है तो उसको भी मैप पे यूज मतलब नोट कर सकते हैं, वर्ल्ड वाले मैप पे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है BIMSTEC, क्वेश्चन आ चुका है, चिंता मत करिए, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, मैप पे लिख लिया कौन कौन सी कंट्री है, क्या बुराई है इसमें, बे ऑफ बंगाल है, इसमें बे ऑफ बंगाल के आसपास उसको मेंशन कर लिया। तो ये चीजें अपनी बुद्धिमानी से करिए, कभी लग रहा है कि नहीं मैप में पेजेस कम हो रहे हैं, वर्ल्ड वाले को एक प्रिंट करा के उसमें डाल दीजिए, तो ये कस्टमाइजेशन अपना चलेगा। नेक्स्ट
डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि क्लासेस कैसे चलेंगी, ये तो हो ही गया, आपको ओवरऑल एक पिक्चर मिल गई। तो जीएस वन का आ जाइए इस पे, ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अगर आप लोगों को बहुत हद तक क्लियर ना हो कुछ ऐसा हो तो। ज्योग्राफी 60 आवर्स के आसपास है, दैट मीन्स कि अगर डेली 2 घंटे की क्लासेस चलती है तो वीक में आपकी 5 डेज क्लासेस होंगी, बाकी 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, उसमें से 1 दिन आपका जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा, जितना पढ़ाया गया उस पर बेस्ड 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा, और 1 दिन आप अपना रिवाइज करिए। रिवीजन हमेशा कोशिश करिएगा कि आप 24 आवर्स के अंदर पहला रिवीजन कर ले, या मैक्सिमम 48 आवर्स, और उसके बाद दूसरा रिवीजन 1 वीक के अंदर। अगर ये आप कर लेंगे ना तो आपका लोड बहुत कम रहेगा, लास्ट में फिर आप आराम से सारी चीजें फट रिवाइज कर लोगे। तो ज्योग्राफी के 60 आवर्स में आपकी पूरी जियोमॉर्फोलॉजी सब कुछ कंप्लीट कराई जाएगी, आपको एनसीईआरटी तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नितेश सर आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा जब क्लास से रिलेटेड तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। अभी जो क्लासेस चलेंगी वो आपके जूम पे चलेंगी, क्योंकि हमारा ऐप जो है अब वो कल लॉन्च को बोल रहे हैं, बट iOS का तो नहीं आया ना, तो किसी के पास आईफोन होगा तो दिक्कत आ जाएगी। दूसरा हम चाहते हैं कि उसको 4-5 दिन खुद चला के देखें पहले, फिर स्टूडेंट के साथ जोड़ें, नहीं तो फिर क्लासेस डिस्ट्रप्शन होंगी उसमें। तो अभी ऐप पे शुरू नहीं करते हैं, उसको 10-15 दिन बाद शुरू कर लेंगे। अभी जूम पे क्लास चलेंगी, तो जैसे आप यहाँ पे अभी हैं उसी तरह जूम पे क्लास चलेंगे, नितेश सर PPT शेयर करेंगे, स्क्रिबल करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कितने देर में मिल जाएगी, विम्यू वाले ऐप पे डालेंगे, विम्यू का एंड्रॉयड ऐप या iOS का ऐप आप लगा सकते हैं, और तब तक के लिए आप चाहें तो डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं, चलेगा, क्योंकि विम्यू तो ऑनलाइन भी काम करता है, ब्राउजर में भी काम करता है। यू गॉट माई पॉइंट, आपकी लाइव क्लासेस अभी जूम पे चलेंगी जो 14 तारीख से शुरू हो रही है 2 PM के आसपास, उसका आपको लिंक शेयर किया जाएगा, एक परमानेंट लिंक होगी, हर दिन उसी पे क्लास चलेगी, फिर भी क्लास के पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा ग्रुप में, फिर आप पिन करके बताया जाएगा कि क्लास हो रही है, आप आए क्लास अटेंड करें। क्लास खत्म होने के लगभग आधे घंटे के अंदर वो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और एक फोल्डर होगा, विम्यू नाम की वेबसाइट है, vimeo.com या उनका ऐप है या उनका iOS का ऐप है, उस पे आ जाएगा फोल्डर विद ए पासवर्ड, यू कैन वॉच इट टिल द टाइम ऐप इज नॉट इन कंप्लीट एक्शन। तो ये ज्योग्राफी में आपको कंप्लीट करा देंगे, पूरा जो स्टैटिक नॉलेज होता है मैपिंग के साथ सब कुछ हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की क्लासेस लास्ट टाइम गणेश सर ने ली है, इन्होंने भी मेंस लिखा हुआ, अभी प्रोबेबली वही लेंगे, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेज अपनी तरफ से ले पाऊँ, तो फिर मैं हिस्ट्री ही इंक्लूड करूंगा अगर मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि पॉलिटी तो मैंने ली हुई, बट देखते हैं, क्योंकि इस बार हमें BPSC का UPPCS का कुछ का कोर्स नहीं चलाना है, वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए, अब वो रिकॉर्डेड ही चलेंगे, तो हमें वहाँ पे कोई काम नहीं करना है, वी विल बी काइंड ऑफ कम्प्लीटली फ्री आफ्टर दिस, आई विल बी फ्री आई मीन जून के बाद। तो एंशियंट हिस्ट्री में कोई भी NCERT ओल्ड न्यू तमिलनाडु नहीं परचेज करनी है आपको, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग मोर देन दैट एंड दैट टू क्रोनोलॉजिकली। NCERT आपने देखी है इस बार की, नई वाली, कोई भी क्रोनोलॉजिकल नहीं है, मिक्सअप है, थीम वाइज है, और फिर वो रिटेन नहीं होता, क्योंकि कब कौन क्या हुआ था आगे पीछे पता नहीं चलता, और UPSC का फेवरेट है कंटेम्प्रेरी कौन था पूछता है, नहीं सॉल्व होता। मिडिवल हिस्ट्री सिमिलर जैसे NCERT का बताया उसी तरह से चलेगा, नहीं नाउ दिस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पहले बता दिया, मोस्ट प्रोबेबली स्पेक्ट्रम खोल के पढ़ाया जाएगा, और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये ना मेंस में आता है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है इंडिया के जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, जो इंडिया की कंसोलिडेशन हुई, प्रिंसली स्टेट जो 3 नहीं आए थे, एक हैदराबाद वाला, एक गुजरात वाला, एक जम्मू कश्मीर वाला, तो वो कैसे है, तो वो जो प्रिंसली स्टेट नहीं आए थे वहां तक एक क्वेश्चन कभी कभी UPSC प्रीलिम्स में पूछ लेता, उसके बाद का नहीं पूछता, आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाएगा प्रिंसली स्टेट का इंडिया में आना। आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको बताया, फाइन आर्ट और नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, इसके लिए लोग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लेक्चर में कवर होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में कराएंगे, यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली 20 आवर्स, यस सिग्निफिकेंस देखो ना, कितने क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे, बहुत कम क्वेश्चन और कभी कभी एक भी नहीं आता, और ये इतना मजेदार है कि इसमें आपको पढ़ने का मन करे तो आप 4 साल यही पढ़ते रहे, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट लार नहीं टपकनी चाहिए, एग्जाम में मार्क्स टपकने चाहिए, मुझे भी मजा आता है, मैं भी पढ़ाता रहा जिंदगी भर, यही तो अपना स्पेशलाइजेशन है, इसको 20 आवर्स में वाइंड अप करेंगे प्री के बाद। इंडियन सोसाइटी 35 आवर्स, मैं कोशिश करूंगा कि ये सत्यम आपको पढ़ा दें GS4 के साथ, ठीक है। तो वो मेंस में इंडियन सोसाइटी जो है GS1 में ऑलमोस्ट 1/3 बना डालता है अकेला, तो मेंस में इंपॉर्टेंट है, प्री का पार्ट नहीं, याद रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट इन प्रीलिम सिलेबस, इंडियन सोसाइटी इज नॉट इन प्रीलिम सिलेबस, आर्ट एंड दिस इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इज नॉट इन प्रीलिम सिलेबस। प्रीलिम सिलेबस में एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, राइट, ज्योग्राफी है, ओके।
नाउ ये पहले ही बता दिया आपको पॉलिटी गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में मैं फुल टाइम लेने वाला हूँ, मुझे एस्टिमेशन भी लग गया कि कितना टाइम लगेगा, और मैं आपको यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, यहाँ पे किसका साइन है किसका साइन नहीं है सब कवर होगा। इंटरनेशनल रिलेशन 30 इयर्स में थोड़ा सा स्टैटिक करके मोस्टली डायनामिक करेंगे, ये प्री और मेंस दोनों में आता है इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, और फिर आइए GS3 में इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट नितेश चरी पढ़ाएंगे, जहां तक अभी प्लान है। स्टैटिक वाला आपको 60 आवर्स में कंप्लीट करा देंगे, फाउंडेशन दे देंगे, आपको कोई भी बुक श्रीराम या इनफैक्ट मृणाल या कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद करेंट अफेयर जो है मंथली और जो एनुअल राउंड अप करेंगे जिसमें 4-5 साल का उसमें इंक्लूड हो जाएगा, और आपके कोर्स में बजट इकोनॉमिक सर्वे वो सब भी इंक्लूडेड ऑलरेडी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवायरमेंट में आई डोंट वांट टू डिस्कस, वी आर इंडिया टॉपर इन दिस सब्जेक्ट। इंटरनल सिक्योरिटी 30 आवर्स ये आपको गणेश सर पढ़ाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली IAS के जो हमारे जो आकाश सर है वो पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारी चीजों का नोट्स भी देते हैं, ये सारे का नोट्स देते हैं। ओके, GS4 सत्यम मनाइए कि उनका हो जाए सिलेक्शन और उसके पहले ये पढ़ा के वो चले जाए, 60 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, आपको इससे ज्यादा GS4 की जरूरत नहीं है। नाउ आई हैव मेंशन्ड दिस मेंटरशिप, आप ग्रुप में हैं, आप एनी टाइम वहां पे मैसेज करिए, जैसे ही फुर्सत हो कि आप कभी भी 24/7 वहां पे ग्रुप करिए। बाय द वे कोर्स अगर ऐप पे भी जाता है ग्रुप बना रहेगा, मेंटरशिप की जो ग्रुप है वो बना रहेगा। पहले ही बता दूं कॉलिंग पॉसिबल नहीं होती क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत लोड लिया हुआ है और कॉलिंग से हमें नहीं लगता कि कुछ खास सॉल्यूशन होता, बट वॉइस नोट, आप मेरे साथ वॉइस नोट चैट करो ना दिन रात, जितना वॉइस नोट भेजना उतना जो गाना गा के भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, पढ़ाई की प्रॉब्लम है, प्री का है, मेंस का है, कोई भी इशू हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी मेरे से पूछिए, कुछ भी पूछिए, पर्सनल नॉन पर्सनल मुझे कोई मतलब नहीं है, आराम से मैं सारी चीजों को इक्वली डील करूंगा। नेचर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, आपके क्वेश्चन से मतलब है, और हम सारे स्टेजेस से रिसेंटली होके गुजरे हैं, तो वी अंडरस्टैंड ऑल द एंग्जाइटीज विच यू विल गो थ्रू। ओके, सारी एंग्जाइटी, 6 साल एग्जाम दिए सब पता है, उसके पहले भी मैं प्राइवेट जॉब भी की हुई है IBM में, कॉलेज में भी पढ़ा हुआ, इंजीनियरिंग भी की हुई, तो इंसान जो इंडिया का जो कॉमन इंसान हर कुछ करता है ना, इंजीनियरिंग का, अच्छा मेडिकल की तैयारी हाँ की है, ठीक है, मेडिकल की तैयारी की है अनसक्सेसफुल, हाँ, उसके बाद कॉलेज जाके पढ़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्जी इंजीनियर कंप्लीटली, भाई बायोटेक का इंजीनियर तो सबसे बड़ा फर्जी इंजीनियर होगा, प्लेसमेंट के लिए बैठे हाँ हाँ, प्लेसमेंट हुई हाँ हाँ, ठीक है, प्रोजेक्ट पे काम किया वो हाँ, दिल्ली में रहे हाँ, खराब लड़कों के साथ रहे हाँ, अच्छे लड़कों के साथ रहे यस, घर पे आए बीच में, ये सारी चीजें, स्टेट PSC दिया हाँ, बैंक एग्जाम दिए थे हाँ, तो सारे एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों से बात की है, तो वी विल अंडरस्टैंड ऑल योर एंग्जाइटीज, फील फ्री, ये प्लेटफॉर्म आपका है, मैं पूरा साल आपके लिए काम करने वाला हूँ, तो कुछ भी पूछिए, ठीक है, कुछ भी पूछिए, पर्सनल नेचर वाला पर्सनल में पूछ लीजिए, और जो आपका एक नॉर्मल जो एकेडमिक क्वेरी है कि अब ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कुछ ऐसा किताब कहाँ से, तो उसको प्लीज ग्रुप में रखिए ताकि बाकी सारे लोगों का एक एक क्वेश्चन से एड्रेसल हो जाए, तो 24/7 जब मन तब, और ये ऑलमोस्ट 24/7 हम लोग जगह भी रहते हैं, चिंता मत करिए, कभी कभी लेट हो सकता है बट रहते हैं ऑलमोस्ट अवेलेबल। टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, जूम मीट होगी वहां पूछिए, अभी खुलेगा ना, पर्सनल मैसेज करिए, जो करना करिए, आपकी फ्रीडम, कॉल अवॉइड करके वॉइस चैट जो भी करना करिए। मेंटर्स आपके अभी जो है, मैं सत्यम और विकास हैं, विकास ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था और फिर मेंस लिखा, सत्यम का अभी इंटरव्यू है, मैं भी हूँ इंटरव्यू वाला, तो सारे लोग कहने का वो इंटरव्यू क्यों डाला हुआ है, उसके रीजन है, ये नहीं है कि आप लोग कोर्स में हो तो ऑलरेडी हो, आपको बताने की क्या जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। सी प्री मेंस इंटरव्यू, ये 3 स्टेज पे अगर गो थ्रू करेंगे, उस रेस में दौड़े हुए रहेंगे, तभी तो गाइड करेंगे ना कि भाई क्या कमी होती है नहीं होती है। तो जहां तक मेंटरशिप की बात है कि इवन आई सपोर्ट, देखिए टीचिंग एक अलग चीज है, आई अग्री कि टीचिंग हो सकता है कोई प्री नहीं किसी ने क्वालिफाई किया होगा वो भी पढ़ा देगा, भाई एक्सप्लेनेशन जरूरी थोड़ी कि रिसर्चर जैसा इंसान करे, बल्कि अपना दोस्त जब एग्जाम के पहले पढ़ाता था कॉलेज में तो वो सबसे ज्यादा याद रहता था, तो वो तो कोई नेट क्वालिफाइड दोस्त नहीं होते थे लेकिन प्रोफेसर से अच्छा पढ़ाते थे, तो टीचिंग तो नहीं चलता है, लेकिन मेंटरशिप में क्या है कि वो स्टेजेस गो थ्रू करने, चक्रव्यूह तोड़ना है, तो आपने देखा होगा महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ने की बात थी, तो उनको लास्ट वाला जो है वो चक्र नहीं पता था कैसे तोड़ना था अभिमन्यु को, तो ही गॉट स्टक, तो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। तो सिलेक्टेड लोग भी आएंगे बीच बीच में, उनकी भी चिंता नहीं, हमारे कई पिछले वाले लोग सिलेक्ट हो भी गए, इस बार हमारे एक्चुअली में काउंटेड 37 लोगों का इंटरव्यू कॉल है जिनके मेरे पास एडमिट कार्ड है, इसके अलावा भी कुछ लोग होंगे कुछ नहीं बताते, सेइंग दिस ऑन कैमरा, द BPSC थर्ड टॉपर ऑफ द लास्ट ईयर इज इन माय प्रीलिम्स ट्रिक्स ग्रुप एंड ही हैज नॉट इवन मैसेज्ड मी, somebody might send this message to him कि भैया कभी तो मतलब
थोड़ा उदारता दिखाइए. बीपीसी के थर्ड रैंकर हमारे ग्रुप में है. ही हैज नॉट इवन मैसेज्ड मी आफ्टर सिलेक्शन. बट दीज आर द पीपल हु आई कैरी द एडमिट कार्ड प्रूफ हमारे कोर्सेज के लिए. सो ऐसे लोग हैं. कल को 37 में से 1/3 का तो सिलेक्शन होना है. दैट मीन्स 12 नंबर्स. ये सारे लोग तो अवेलेबल रहेंगे इंक्लूडिंग सत्यम. तो वो चिंता नहीं है. ठीक है, सारे लोग आपके साथ हैं. आपके साथ हमेशा बने रहेंगे. असेसमेंट का सिस्टम पिछली बार इंक्लूड नहीं हो पाया था, इस बार किया है. प्रीलिम्स के लिए जो असेसमेंट का सिस्टम, चूंकि अब ऐप आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी ऐप, उसका बिल्ड ऑलमोस्ट रेडी है एक्चुअली. तो वीकेंड का क्विज जो क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, 50 क्वेश्चन का क्विज बना देंगे. एक होता है एक्चुअली फाइल बनती है, अगर फॉर्मेट में डाल के आप बल्क में अपलोड कर सकते क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करिए ऐप पे. आपका निगेटिव मार्किंग, 1/3 वगैरह सब कुछ रहेगा प्रॉपर. मेंस का असेसमेंट सिस्टम कैसा है, 10,000 में इवैल्यूएशन इंक्लूड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इवैल्यूएशन इंक्लूड करेंगे तो इवैल्यूएटर को हमें देना है. और ये 10,000 आपको पता है ना, हम तो ऐसे मेंशन भी नहीं करते ना वो चीप तरीके से कि हमारे कोर्स की फी है कितनी, 8,000 और उसमें जीएसटी है 2,000 इसलिए 10,000. बट आवर कोर्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द टैक्सेस, 18% जीएसटी, 3% ट्रांजैक्शन, फिर इनकम टैक्स सब करके. तो एक्चुअली ये हमारी मजबूरी समझिए. जैसे ही हम इवैल्यूएटर को अगर इस कोर्स से देना शुरू करेंगे ना, तो ये हमारा लॉस में चला जाएगा. मेरा एक कोर्स ऑलरेडी लॉस में चल रहा है अच्छा खासा बीपीएससी का, तो क्योंकि उसमें 5,000 में हमने पूरा सिस्टम लॉन्च कर दिया था. सो इट इज गेटिंग अफेक्टेड. बट ठीक है, हर कोर्स जरूरी नहीं है सक्सेसफुल हो. मॉनिटरेटली स्टूडेंट फ्रेंडली हो इतना काफी, और उसमें भी काफी अच्छा चल रहा था. मेंस के असेसमेंट सिस्टम में क्या करेंगे कि जब आपका सितंबर आ जाएगा ना, उसके कुछ दिनों बाद, सितंबर के बाद क्या होगा, थोड़े दिनों बाद आपका सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो नवंबर से जो हम इसका स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर नवंबर मान लीजिए, और वो आपके 2-3 महीने का प्रोग्राम चलेगा, मतलब 90 डेज का प्लान चलेगा. पिछली बार भी चला था, काफी अच्छा चला था, 3 months का. तो आप उसमें डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं. FLT का भी टेस्ट सीरीज आ जाएगा, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. और आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहेगा, जितना मार्जिन पे रहेगा मैं करके दूंगा आपको, टेंशन मत करिए. कल ही बोला लोगों ने कि CSAT की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए. 2022 तक वैलिडिटी थी प्रीलिम्स का, अभी अभी इस लाइव के पहले मैंने उसका 1 साल वैलिडिटी बढ़ा दिया. क्या फर्क पड़ता है ना, अपना कंटेंट तो एक बार बना, लोग देखेंगे तो क्या बुराई है. तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्लेटफॉर्म अलग तरीके से चलती है, अंडरस्टैंड. तो ये सारे जब प्रोग्राम आएगा तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ज्वाइन कर सकते, आपकी मर्जी है. लेकिन इसलिए अवेलेबल रहेगी. बट डेली आंसर राइटिंग असाइनमेंट जो पहले अभी अभी बताया आपको दे देंगे, तो आप लिखिए. आपसे उम्मीद की जाती है कि ग्रुप में डालिए. कभी कभी मेंटर को टाइम मिलेगा तो वो इवेलुएट भी कर देंगे, बता भी देंगे कि इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है. एटलीस्ट जो पिछले साल से प्रिपेयर कर रहे हैं इंसान, वो तो आपको बता ही देगा कई बार अब एज ए फ्रेंड कि भैया इसमें तुमने ये चीज मेंशन नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे कंटेंट की कमी लग रही है, फ्लो सही नहीं है. तो थोड़े बहुत आपको रिव्यू वहां पे भी मिल जाएंगे. तो आपको डेली आंसर राइटिंग असाइनमेंट हम फिर भी देंगे, राइट, क्वेश्चन फिर भी देंगे, आप लिखिए. ओके, क्लासेस आपकी याद रखिएगा ऐप पे ही रहेंगे कुछ दिनों बाद. व्हाट अबाउट की आंख में दिक्कत होती है वगैरह, तो लैपटॉप पे एक आप ब्लू स्टैक नाम का सॉफ्टवेयर जो है, ब्लू स्टैक्स करके एक्चुअली लगा सकते हैं, उससे आपके एंड्रॉइड के ऐप चलने लगते हैं. दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पिछले बैच में बहुत ज्यादा शेयर हुआ है, पासवर्ड बस दिया था. तो और अगर इसको हम लोग ब्राउजर में चलाएं तो कॉस्ट क्रॉस कर जाएगा, इट विल गो मोर देन 15,000 to 16,000, फिर वो बहुत लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा. तो हमारी मजबूरी है, तो एडजस्ट करिए. बट बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कंटेंट पे. PDF विल बी डाउनलोडेबल, जो भी नोट्स का PDF डलेगा क्लास के बाद, दैट विल बी डाउनलोडेबल, यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट. सारे लोगों ने उस पर भी बैन लगा रखा है, बट दैट विल बी ओपन. अब यहाँ पे 3 views क्यों लिखे हैं, हमें क्या दिक्कत है कोई 5 बार देखे तो. पहले तो जरूरत नहीं है, एक बार लाइव हो गया, उसके बाद 2 times रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी देखने की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि टाइम वेस्ट हो रहा है. जब नोट्स मिले हुए हैं तो नोट्स शुड बी रिवाइज, बट ये लॉजिक नहीं है. मेन ये है कि एवरी व्यू कॉस्ट अस, है ना. इनफैक्ट दिस सिस्टम कॉस्ट इज अराउंड 3,000 पर पर्सन. ठीक, अभी जैसे ही व्यूज बढ़ाए जाएंगे तो डेटा का ट्रांसफर AWS पे स्टोर होता है डिजिटल राइट मैनेजमेंट के साथ, उसकी कॉस्ट जो है फिर बढ़ जाएगी. हर चीज 10 में करनी तो इसलिए क्या हुआ. बट फॉर ए फेयर आइडिया आई टेल यू, दिस डेज कोचिंग्स आर प्रोवाइडिंग 1.5 ड्यूरेशन का, सुब्रंजन वगैरह का ये सिस्टम चल रहा है. 60 मिनट्स की क्लास है तो उसको 90 मिनट्स तक देख सकते हैं, उससे ज्यादा इस तरह के चल रहे हैं. कुछ लोगों का ओनली लाइव है, ओनली 1 time, कॉस्ट कटिंग. 3 views आर मोर देन एनफ. बट वट इज ब्यूटीफुल इज दैट ऐप विल हैव ए डाउनलोड ऑप्शन. जैसे आप YouTube का वीडियो डाउनलोड करते हो तो ऐप के अंदर ही होता है. ऐप विल हैव ए डाउनलोड ऑप्शन, प्लीज डाउनलोड द वीडियो, वॉच इन्फिनाइट नंबर टाइम, नो इश्यूज. डाउनलोड होने के बाद क्या होता है, वो डेटा का कॉस्ट नहीं आता, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है. वो तो रहेगा वाटरमार्क, ऐसे भी सिक्योरिटी के लिए नहीं किया जा रहा, कॉस्ट कटिंग के लिए. तो डाउनलोड करिए ऐप में, जितना बार देखना है देखिए. क्लास ड्यूरेशन 2 to 2.5 years, 5 hours, sorry.
एंड समटाइम्स चेंज क्यों लिखा है, डिपेंडिंग द टीचर। मैं अपना एक टाइम टेबल सेट कर लूंगा तो शायद मैं मॉर्निंग में पढ़ाऊंगा, गणेश हमेशा मॉर्निंग का 6 o'clock चूज करते हैं, तो बट इतना अब्रप्टली चेंज नहीं होगा कि डेली चेंज होगा, है ना, पूरा सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज होगा। तो होगा आज आपके साथ मैं द हिंदू का पीडीएफ का फोल्डर शेयर कर दूंगा, जो पीडीएफ की बात की है सिलेबस वगैरह सब एक जगह डाल दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का तो डाल ही दिया है सब कुछ, एक गूगल ड्राइव बना दूंगा, आप टाइम टू टाइम उस पर अगर कोई जरूरत है चीजें तो अपलोड कर दी जाएंगी। और ये आपका जो टाइम लाइन है ये ऑलरेडी आपके पास है, दिस विल बी फॉलोड दिस टाइम, ठीक। इफ दिस टाइम लाइन गेट्स डाइवर्टेड विद इन 2 months, अगर बहुत ज्यादा, Anybody can come to me and say that कि नहीं जैसा टाइम लेता उस हिसाब से नहीं चल रहा है, I want to go out of the refund way, completely मैं रिफंड कर दूंगा क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बार कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। करंट अफेयर का आपको बताया कि पीडीएफ का डेली का नोट आपको मिल जाएगा, देखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, मंथली के रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, प्री और मेंस दोनों को वो एड्रेस करेगा। और कब तक करेगा, जब तक आपका यूपीएससी का मेंस चलेगा ना, 2023 का मेंस, आप समझ रहे हैं, सितंबर में मेंस देंगे ना 2023 में, अगस्त 2023 तक हम आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। बट एट द सेम टाइम एक कॉरिडोर का करंट अफेयर वाला कोर्स अलग से लॉन्च करेंगे लास्ट टाइम की तरह, उस पर भी यू विल हैव सम डिस्काउंट, वो जो मैं कराता हूँ अलग से सारे सब्जेक्ट का। बट चूंकि इसमें मंथली इंक्लूड कर दिया तो सीसीए निकाल दिया इस बार, नोट्स एंड बुक्स सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी। जैसे मैं क्वालिटी पढ़ाऊंगा ना तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दैट इज नोन एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो मैं पढ़ा दूंगा 10 chapters, उसके बाद मैं अपने जीएस का जो है GS2 में आऊंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली GS2 में नहीं जाऊंगा, पहले एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो कि रेलिवेंट है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आपको पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद में जंप करूंगा। टुडे आई विल बी शेयरिंग विथ यू 24/7 एक्सेस टू कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, यू आर डिमोटिवेटेड, टेल मी वन थिंग, अगर आप इस लेक्चर में हो, अगर बैठे हो, अगर आपने कैमरा ऑन कर लिया सारे लोगों ने और टेबल पे बैठ गए, कैन यू वेस्ट योर टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। इफ यू आर इन कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट वेस्ट योर डेटा सम मनी, सिट देयर एंड अदर पीपल विल बी सिटिंग, एंड दिस हैज बेनिफिटेड, आई हैव गॉट 4 to 5 मैसेजेस फ्रॉम द प्रीवियस कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी प्रोग्राम विच कॉस्ट एक्चुअली 1000 फॉर 10 months, सेपरेट प्रोग्राम, कुछ नहीं करते लोग, बाकी लोग सारे बैठे रहते हैं, आके कैमरा ऑन करके पढ़ना शुरू करते हैं, वही अकाउंटेबिलिटी है। आप कैमरा ऑन करके वहां पे जो है खिचड़ी तो नहीं खाओगे सबके सामने, पढ़ोगे ही आप, मोबाइल में चैट तो नहीं करोगे, जाके सो तो नहीं जाओगे कैमरा ऑन करके कि बाकी सारे लोग बैठ रहे हैं, आप जाके बेड पे जाके लेट गए तो करोगे क्या एग्जैक्टली। ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद इज यू विल स्टडी। पीपल आस्क मी फॉर मोटिवेशन, मन नहीं कर रहा, आई से ओनली वन थिंग, व्हाई डोंट यू जस्ट लॉग इन एंड जॉइन द कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी एंड सिट डाउन, यू विल नॉट बी सिटिंग आइडल, पढ़ोगे ही, तो इसका एक्सेस आपको रहेगा, आज शेयर कर दूंगा। योगा मेडिटेशन क्लासेस का आपने नोटिफिकेशन पे देखा होगा, ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे, डेली 7 AM होता है, मीनल साबले कराती हैं, ट्रेंड है, प्रॉपर है, दिमाग शांत रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, आधा घंटा देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये पूरी जर्नी कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाती है। एसे का इवेल्युएशन आपके एसे के टेस्ट सीरीज वगैरह में डिस्काउंट रहेगा, पहले बताया, लेकिन मेंटरशिप, इवन आई हैव स्कोर्ड गुड एंड सत्यम के मार्क्स आने दीजिए, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ही विल बी स्कोरिंग वेरी गुड, तो उनका भी मैं जो था माइन्यूटली जो इवेल्युएट वगैरह करना होता था तो मैं करता था। तो ये जो आपको एक बारीकी से कभी कभी अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसे का सेशन ले लिया, ये सारी चीजें होती रहेंगी। सिमिलरली जीएस मेंस की बात, सीसेट हमारा कोर्स है, इट विल बी हाफ प्राइस फॉर यू, डोंट वरी, एंड मंथली इंटरेक्शन जो हमारे लोग अभी सेलेक्ट हो जाएंगे, मंथ में आएंगे एक दो बार आपके साथ सेशन ले लेंगे कि भाई फाइनली वर्क कैसा होता है, लाइफ कैसी होती, ताकि आपको एक मोटिवेशन भी आया और एक डेप्थ भी डेवलप हो कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पड़ोसी के प्रेशर में कर रहे हैं, रिलेटिव के प्रेशर में कर रहे हैं, या एग्जैक्टली वो वर्क का नेचर हमें पसंद है ग्राउंड लेवल पे, इसके लिए जरूरी है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं उनसे बीच बीच में इंटरेक्शन होता है। ये आपका प्रीलिम्स 42 ईयर वाला इंक्लूडेड है, दिस इज ऑल आई वांट टू से। नाउ इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग देयर विल बी सेशंस, डोंट वरी, बट आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चन। क्लास का टाइमिंग तो मैंने डिस्कस कर दिया, ओके, just take a break of 5 minutes, then you can start asking some question if you have.
एक बार ये मीटिंग के रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ ताकि ये अलग क्लास बन जाएगी, क्वेश्चन एंड आंसर को अलग रख लेगा।